आपको क्या लगता है बैक पेन क्या है, कौन किस पार्ट ऑफ द बॉडी को बैक पेन कंसीडर करती है और कब आपको लगता है ये पेन है? मैं जब डांस करती हूँ तो मुझे वैसे नहीं होता बंदिश वगैरह करने में, लेकिन जहाँ फुटवर्क आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और अभी मैं बैठी हूँ तो भी मुझे पेन हो रहा है। तो वो पेन आपका लोकलाइज्ड किस जगह पे हो रहा है, बैक में पेन हो मुझे रहा है, लोअर बैक में? राइट साइड में पेन होता है, पेल्विक जॉइंट, हिप। हाँ, आपका जो पेल्विस होता है, सभी समझते होंगे ना टेक्निकली, है ना, तो जो पेल्विस होता है आपके राइट साइड में पेन होता है, लोअर बैक पेन हो रहा है आपको बैठने में हो रहा है, और जब आप फुटवर्क करते हैं, जब हम प्रॉपर, हाँ जी ठीक है। सो वेरी राइटली, थैंक यू सो मच मैम, सो वेरी राइटली एंड अप्रोप्रिएटली सेट। मैंने भी अभी जो डांस परफॉर्मेंस देखा, मैं उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहूँगी और उन डांसर्स को भी उनको ज़रूर बताएंगे कि बेसिकली जब आप लोग फुटवर्क कर रहे हो, कथक फुटवर्क का ही प्राइमरली जो रोल है वो फुटवर्क है और स्पिन्स है, राइट? जब आप फुटवर्क करते हैं तो आप अपने पैर को, आप इधर आ जाओ, हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, जब आप फुटवर्क करते हैं तो आप अपने पैर की पोजीशन क्या लेते हैं? ये पोजीशन है, ठीक है। अभी सब लोग ध्यान से देखिएगा, इस फुट को, ये जो पैर है, हम लोग जब आप उसको एक बार स्टैम्प करते हो, वापस स्टैम्प करते हो, तो फुट का पोजीशन यही रहता है सबका, राइट है? इसको हम लोग कहते हैं प्रोनेटेड फुट, ठीक है। प्रोनेटेड फुट मतलब पैर का बाहर की तरफ उठना, यहाँ से एंकल का थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठना और बाहर की तरफ प्लेस हो जाना। हमारे शरीर में जो हमारा फुट है, फुट में ऊपर से ही, जो बर्थ से ही बन के आर्चेज आते हैं, आपने देखा होगा पैर बिल्कुल सीधा नहीं है, पैर में एक छोटा सा बीच में आर्च होता है, यहाँ पे ये साइड, अंदर की साइड को हम लोग मीडियल साइड कहते हैं और बाहर की साइड को हम लैटरल साइड कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को आसानी हो समझाने में, इसलिए मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ, ये मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। तो हमारे जो आर्चेज है, हमारा पूरा शरीर का वेट उस आर्च के थ्रू हमारे टोज और फिर ज़मीन पर जाता है। सब लोगों को आर्च, सब लोग अपने पैर में फील कर सकते हैं, हमारा पैर पूरा फ्लैट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का फुट फ्लैट होता है जिनके आर्चेस कम होते हैं। और दूसरा, जब आप इसको स्टैंड करते हैं, जैसे आप एक एक बार रखिए, आपने जब ये रखा तो आपने पूरे पैर को प्लेस किया ग्राउंड के ऊपर, तो आपने एक्चुअली उस आर्च को फ्लैट किया, वो तभी वो थपकी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, रिपीटेडली अपने उस आर्च को स्ट्रेच करना पड़ रहा है, फुट पे प्लेस करना पड़ रहा है, फुट को ज़मीन पे जब आप रख रहे हो तो आपका जो शॉक एब्जॉर्बर आर्च जो प्रोवाइडेड था फीट के अंदर, दोनों फीट में था, उसको फ्लैट कर रहे हो और तब प्लेस कर रहे हो, ठीक है। अब जिसका आर्च ठीक है, जैसे इनका आर्च ठीक बना हुआ है, ये फ्लैट में नहीं जा रहा है ना, लो आर्च है, तो इनको ये तकलीफ थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जिनके फीट फ्लैट हैं, जैसे जो उन डांसर्स में एक का फीट फ्लैट था, जिनके वो फीट फ्लैट है और वो रिपीटेडली उसी पे स्टैम्प कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि ये आर्च ले नहीं पा रहा, तो वो पैर के अंदर अंगूठे के ऊपर वजन डल रहा है जब वो स्टैम्प हो रहा है। और इसीलिए शी वॉज इन हेलक्स वेलगस, तो उनका क्या हो रहा है कि ये जो जॉइंट है, जो अंगूठे का, बड़े अंगूठे का जॉइंट है, वो हड्डी धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो रही है। इफ़ आई कैन हैव द डांसर, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, जिसे आप लोगों को वो ना हो और वो भी अपना प्रिवेंशन कर सके, ठीक है। तो जब हमारा आर्च कम है तो हम पैर को बाहर की तरफ रख रहे हैं, और जब हम रिपीटेडली रखते जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मसल है जो बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, ये टाइट होती जा रही है, और पैर के अंदर का जो मसल है जो इसको कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग हो रहा है, जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। सो ये फुट का एक मैकेनिक्स है जो आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज कथक इज ऑल अबाउट दिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल अबाउट बट प्राइमरली अबाउट। तो ये आप लोगों को क्या रखना है कि आपको ध्यान जो रखनी है चीज़ें, कि हम जो प्रोनेटेड फुट जिसे हम कह रहे हैं, उस प्रोनेटेड फुट में इन मसल्स को रिलैक्स करें
और इन मसल्स को ताकत दें, इन मसल्स को स्ट्रेंथ दें, जैसे कि अब जब हम पैर अंदर रखिए, अब आप बाहर के उस पर आइए और दोनों पैरों को अंदर कर लो, ऑपोजिट पोजिशन, जब आप खड़ी होती हैं ऐसे, अब आप ऐसे खड़े होइए, इन मोमेंट, यस। सो इफ शी डज दिस ऑफन, तो ये अंदर की मसल को टाइट कर रही है और बाहर की मसल को इलोंगेट कर रही है, तो रिवर्स कर रही है। सो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग या आपकी परफॉर्मेंस है, आप उसके बाद में थोड़ा सा, चाहे आप एक टेनिस बॉल के साथ, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर टेनिस बॉल को रखें और साइड से लेट जाए और इसके ऊपर मसाज करें रेगुलरली, अगर ये इसको मसाज करेगी तो ये रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने की वजह से जो आर्चेस के ऊपर और फुट के ऊपर प्रेशर गया था वो थोड़ा कम हो जाएगा, ईज ऑफ हो जाएगा, थोड़ी सी वो अंदर की मसल्स की एक्सरसाइज करेगी, जो उसने इन्वर्जन अंदर की जो फुट की एक्सरसाइजेस करी उससे ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसका फुट का बैलेंस बना रहेगा। तो बिगड़ने से पहले अपने को, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको ये ध्यान रखना है, देखो जो खराब हो चुका है उसको ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट मैडम हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव, बिकॉज फिजियोथेरेपी इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग ओनली, इट इज़ अबाउट टेलिंग यू हाउ टू प्रिवेंट द थिंग्स, हम डैमेज होने ही ना दें अपनी बॉडी को, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, सारा जो आपका नी है, अगर आप देखोगे जब आप फुट को बाहर कर रहे हो, आप दोनों जो आपकी पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन रहती है, अगर आप ध्यान से देखो ये फुट जब बाहर गया तो ये नी बाहर पीछे की तरफ पुश हुआ, आपने देखा, दिस गोज इन टू एक्सटेंशन। अब बेटा अंदर करो, नी सीधा हो गया, तो ये चेन है। अगर आप इसी तरीके से अब हिप की बात करेंगे तो इसको संभालने के लिए आपके हिप को, जिससे आप गिरे ना, अंदर की तरफ रोटेट होना पड़ेगा, तब पैर बाहर की तरफ रखिए बेटा, जब आप डांस कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हिप अंदर आएगा और पेल्विस आगे जाएगा, जिसकी वजह से आपका बैलेंस बना रहेगा, दिस इज पेल्विस। तो इसीलिए डांसर्स में एंटीरियर टिल्ट ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज वो फॉल ना हो उसकी वजह से अपने पेल्विस को आगे की तरफ टिल्ट कर देते हैं और फुट को बैलेंस करने के लिए अपने नी को अंदर की तरफ करते हैं, जिससे क्या होता है, आगे जाके आर्थराइटिस, नी का जो आर्थराइटिस है फीमेल्स में बहुत कॉमन, नॉर्मली भी है, क्योंकि हम लोगों के एज कम्पेयर टू मेन पेल्विस वाइड होते हैं, वाइट मतलब बिकॉज विमेन हैज़ टू गिव बर्थ टू चाइल्ड, तो ये ऊपर से ही प्रकृति ने एक विमेन का पेल्विस वाइट बनाया है और मैन का थोड़ा नैरो, ठीक है। तो जब हम ऑलरेडी इस वाइट पेल्विस के साथ हैं और हमें ये एक डबल लोड आया जब हम फुट की स्टैम्पिंग कर रहे हैं, तो हमें अपने हिप को, अपने पेल्विस को अलाइन करना पड़ेगा, अलाइन करके उसको रेगुलरली करेक्ट, मतलब रिवर्सल कीजिए, जो आपने प्रैक्टिस में किया उसकी रिवर्स मूवमेंट्स कीजिए, तो आपको ये दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, दे हैव टू स्ट्रेच द लैटरल लेग, जो साइड की लेग है, चाहे आप एक छोटी बॉटल ले लीजिए, पानी की जो बॉटल है उसको फ्रीजर में डाल दीजिए, वो आइस बन जाएगी, उससे आप मसाज कर लीजिए उसकी कंटिन्यूसली 3 to 4 minutes to 5 minutes, और ऐसे ही सिमिलरली फुट के नीचे भी आप रखिए, जिससे आपके आर्चेस बने रहे। जिन लोगों को आर्चेस नहीं है उनके लिए हम उसका समाधान बताएंगे, लेकिन जिनको आर्चेस है वो उसे मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से काफ़ी सालों की आपकी प्रैक्टिस के बाद में वो आर्च बैठने लगेगा, जब वो फ्लैट फुट होने लगेगा, तो आर्थराइटिस जल्दी चेंजेस आएंगे हमारे बॉडी में, तो वी हैव टू प्रिवेंट इट, ठीक है। ये पिक्चर में एंटीरियर टिल्ट जो मैंने अभी बताया, अगर आप लोग उसमें देख सकते हो कि पेल्विस, जब आपने नी को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, जैसे हमने मैडम को दिखाया था, नी को पीछे किया तो हमारा पेल्विस आगे आएगा, तभी आपकी बॉडी एक पोस्चर में आएगी रोकने के लिए, ये जो पोस्चर है पहले वाला, और उसको रोकने के लिए आपके गर्दन को आगे आना ही पड़ेगा और आपके शोल्डर को थोड़ा सा राउंड होना पड़ेगा। इसीलिए काफ़ी बार डांसर्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शोल्डर उनके राउंडेड होते हैं, अगर आप ध्यान देंगे ये पीछे नहीं होता, और फिर उन्हें सर्वाइकल पेन और शोल्डर पेन की कंप्लेंट्स आती है। तो अगर आप देखो कि इसको बैलेंस करने के लिए, अभी देखो ये पूरी चेन है आपकी बैक, आपकी स्पाइन केवल लोअर बैक नहीं है, अगर आप देखें हेड के जॉइंट से जुड़ा है, हेड के जॉइंट से आपकी टेल बोन तक एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्पाइन है, ठीक है।
तो जब हमने इसको बैलेंस किया, पेल्विस आगे गया, हेड को भी आगे आना पड़ेगा जिससे हम गिरे ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम पीछे जा रहे हैं और इस लाइन को हमें सेंटर में रखना, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर वो सेंटर में नहीं है बॉडी के तो या तो आगे गिरोगे या पीछे गिरोगे, कहीं तो गिरोगे। उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी अपनी चेन को एडजस्ट करती जा रही है। तो आपको वो सब करेक्शन करना है और वो फुट से हो सकता है, ठीक है। तो फुट को निग्लेक्ट मत कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम मतलब लो बैक का कारण मैं बता रही हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, और लो बैक पेन 70% जो पेन होते हैं टोटल पेन, उसमें 70% इज़ लो बैक पेन, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से, अभी कोविड में कंप्यूटर्स के आगे बैठने की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से लो बैक पेन सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है। आप लोगों में एक एडेड एक और इशू है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना है। हाँ जी, तो अभी तक इसमें किसी को क्वेश्चन पूछना है जो मैम से, जो भी अभी इन्होंने समझाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी को? एनीबडी हियर? ओके, तो अब हम आते हैं कि ये जो अभी मैम ने समझाया दैट वाज अ मैकेनिकल लो बैक पेन, जो कि हमारे बॉडी के पोस्चर और जो हम चोट लग रही है उसकी वजह से अगर कोई पेन आ रहा है, दैट इज़ मैकेनिकल लो बैक पेन। लेकिन उसके अलावा भी वी नीड टू नो कि देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस दैट कैन कॉज पेन, या फिर लो बैक पेन में भी बहुत सारे उसके सब टाइप्स आ जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि पैर किस कुछ कुछ लोगों के पैर सुन्न हो रहे होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही पेन जा रहा होता है, या कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी आपने एक्सरे करवा लिया, एमआरआई करवा लिया, सब चेक करवा लिया लेकिन फिर भी नहीं आया, उसका कॉज पता नहीं चला। तो हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए सो दैट वी कैन रूल आउट कि वो लो बैक पेन क्यों है? आई वुड लाइक टू आस्क मैम द क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम है कि जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता होगा पेन का, यू विल नॉट बी एबल टू क्योर इट। तो मैम, वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो बैक पेन दैट वी शुड नो अबाउट? राइट, एंड आई जस्ट होप कि इसके बाद हमारे यहाँ जितने भी आज जो सेशन अटेंड कर रहे हैं वो खुद ही असेस कर लिया करें कि उनका कौन सा टाइप ऑफ बैक पेन है, और वो आधा इलाज तब खुद ही कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ बैक पेन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया स्पाइन के जो अभी ये हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें मैकेनिकल बैक पेन कहते हैं। लेकिन डेफिनेटली इंजरीज, एक्यूट पेन होता है जो इमीडिएटली एक्यूटली पेन शूट किया, इट कैन बी शूटिंग पेन, इट कैन बी पोस्ट सम इंजरी, सम ट्रॉमा, है ना। लेकिन एक और बैक पेन का भी रीज़न हो सकता है अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो सब लोग ऐसे ना उसको निग्लेक्ट करें कि भाई ये बैक पेन हो रहा है डांसिंग की वजह से ही हो रहा होगा, या सिर्फ हमारी प्रैक्टिस आज ज़्यादा थी या ज़्यादा घंटे बैठे हैं इसीलिए हो रहा होगा। यू शुड गेट इन्वेस्टिगेटेड अगर उसके अंदर कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी तो नहीं है। अंडरलाइंग पैथोलॉजी जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? देखिए, जब ये पिछले 2 साल कोविड के रहे तो हम लोग बाहर नहीं निकले, एक्टिविटी नहीं हुई, इन एक्टिविटी ने बहुत ज़्यादा हमारी हड्डियों से कैल्शियम को रिजॉर्ब किया और वो किडनीज़ के थ्रू निकल गए। हमारा इनटेक, जबकि डॉक्टर्स कहते रहे विटामिन डी खा लो, सप्लीमेंट खा लो, लेकिन कितने लोगों ने खाया था? आई डोंट थिंक बहुत सारे लोगों ने रेगुलर खाया हो। जब फीवर आया तो डर के मारे सारी दवाइयाँ खा ली होंगी, हफ्ते 10 दिन में वो ख़त्म हो गए होंगे, और आज किसी को याद भी नहीं होगा कि हमने कितना सप्लीमेंट लिया था। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बहुत ज़्यादा फैली हुई, जिस तरीके से ना वाइड स्प्रेड होता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की इनएक्टिविटी कम है। आप लोगों की तो नहीं है इनएक्टिविटी कम, बट डेफिनेटली इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ सिस्टम, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस, इफ़ यू आर वर्किंग लाइक आपका बाहर का भाग दौड़ कम है, आप लोग उन जॉब प्रोफाइल्स में जिसमें ज़्यादा बैठना पड़ता है, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई इंजरी हुई है, कोई रोड एक्सीडेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइन में कोई क्रैक हुआ हो, स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, कोई और बीमारी जैसे ट्यूबरक्यूलर, टीबी,
टीबी भी एक बीमारी है जो स्पाइन में हो सकती है, लेकिन अगर हम इस तरीके की बीमारियों का एक बहुत इजी तरीका है जानने का कि ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि वो किसी भी ट्रीटमेंट, चाहे वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है या आपकी लोकल जैसे हॉट फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन, इन सब से वो रिलीव नहीं होता। तो अगर आपका पेन किसी भी चीज़ से रिलीव नहीं हो रहा है, यू हैव टू गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैकेनिकल बैक पेन है तो डेफिनेटली जैसे आपने करेक्ट किया, जैसे आपने अपनी मसल्स को करेक्ट यूज़ करना शुरू किया, उसकी एक्सरसाइज करना शुरू किया, वो चला जाएगा। सिमिलरली अगर हम रॉन्ग बैठ रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्यूटर बहुत नीचे है, जैसे अभी ये नीचे है, अगर इसमें एक घंटे तक हम लोग बैठ गए तो हमें बैक पेन होगा, बिकॉज हम लोग अब ऐसे हैं, तो हमारी स्पाइन आगे चली गई, हमारी चिन आगे चली गई, तो जब हम इस पोस्चर में बैठे हैं तो हमारे को बैक पेन होना कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ डांसर्स नहीं, यहाँ पे म्यूजिशियंस भी हैं, और उनका यहाँ पर क्या ऑलमोस्ट हमेशा उनको बैठना पड़ता है, बिकॉज आपने देखा दे आर सिटिंग विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और अब उनको उन इंस्ट्रूमेंट को बजाना तो है ही एट एनी कॉस्ट, वो जितने 2 घंटे 3 घंटे का शो हो उनको उसी पोस्चर में बैठना होगा, और उसी एक ही पर्टिकुलर पोस्चर में बैठना होगा, कि अगर सितार बजा रहे हैं तो एक हाथ ऊपर होगा ही, एक हाथ नीचे होगा ही, उसमें उनको पोस्चर करना है। तबला बजा रहे हैं तो थोड़ा सा झुक के आगे रखना ही होगा। तो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि उन लोगों को भी इसमें एक ऐड करें, इंक्लूड करें, नॉट जस्ट द ओनली द कथक डांसर्स हियर बट ऑल्सो द म्यूजिशियंस जो यहाँ पे हैं। जी, सो बेसिकली अगर देखिए प्रोलॉन्ग सिटिंग है, अभी हमने जो ये स्पाइन देख रहे हैं इसमें बोन्स के बीच में डिस्क होती है, सभी ने सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा ना, शाटिका हो गया, डिस्क हो गई घर में, किसी को जानने में, फ्रेंड्स में, तो वो डिस्क क्या होती है, वो शॉक एब्जॉर्बर होती है। दो बोन्स के, हर दो बोन के बीच में डिस्क है स्पाइन के अंदर। तो जब आप जंप कर रहे हैं या आप बैठे हुए हैं तो डिस्क ही है जो दोनों बोन्स के बीच का एब्जॉर्ब कर रही है प्रेशर या शॉक या जितना भी उसके ऊपर लोड आ रहा है, जो लोडिंग हो रही है। तो लोडिंग को हम लोगों को क्या करना है, मैंने कहा ना जैसे नो योर बॉडी, आपको खुद पता होना चाहिए। अगर मैं बहुत देर बैठी हूँ तो मैं फ्लेक्शन में बैठी हूँ, फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ की जो मूवमेंट्स होती है बेंडिंग, उन्हें फ्लेक्शन कहते हैं, और जो पीछे की तरफ की मूवमेंट्स होती है उन्हें हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो जब हम खड़े हैं हम एक्सटेंशन में खड़े हैं, और लेकिन जब हम बैठे हैं, जैसे मैडम ने पूछा सितार वादक हैं या तबला वादक हैं, वो बैठे हैं तो वो फ्लेक्स्ड बैठे हैं। तो जब वो फ्लेक्स बैठे हैं तो उनका जो लोड आ रहा है वो डिस्क में आगे की तरफ आ रहा है और पीछे की तरफ से स्पेस ओपन हो रहा है। और जब हम खड़े हैं तो दोनों वर्टिब्राज पीछे की तरफ, जैसे ये दो वर्टिब्राज हैं, जब हम एक्सटेंशन में हैं तो पीछे की तरफ दबाव है और आगे खुला हुआ है। तो इसमें जो भी फ्लूइड ड्रेन होता है, जो सर्कुलेशन होता है, वो आगे की तरफ से आराम से हो सकता है, और जब हम बैठे हैं तो पीछे की तरफ से आराम से हो सकता है। ये बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि अगर बैठे हुए हो तो आपकी लोडिंग और डीलोडिंग कैसे होगी। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा समय के लिए होगा और बहुत ज़्यादा वर्षों के लिए होगा तो ये बॉडी का मैकेनिज्म भी ख़राब होने लगता है। ये डिस्क जिसके अंदर फ्लूइड है, जैसे आपने देखा ना छोटे बच्चा अपना टो भी मुंह में लगा सकता है, कृष्ण कन्हैया ने छोटे बच्चे ने लगाया, लेकिन आप में से कितने लोग टो को अपने मुँह में ले जा सकते हैं। ये फ्लेक्सीबिलिटी की बात है, आप ले जा सकते हैं। तो सर ये तो फ्लेक्सीबिलिटी अब नेक्स्ट आप ही को मॉडल में रखेंगे सर। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम होती जा रही है, अगर हम उनकी स्ट्रेचिंग्स, अगर हम उनका मेंटेनेंस अच्छा नहीं करेंगे तभी वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, राइट। तो जो लोग बहुत ज़्यादा देर बैठ रहे हैं वो क्या करें, उसके रिवर्सल करें उनके पॉस्चर्स को। अगर वो फ्लेक्स्ड है, सभी लोग अभी फ्लेक्स पोजिशन में हैं, तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा रिवर्सल करिए, यू एक्सटेंड योर स्पाइन बैक लेके जाइए। तो जब आप एक्सटेंड करते हैं एक अच्छा रिलैक्स आपको तुरंत फील होगा, हाँ। बहुत देर से ऐसे बैठे तो वर्टिब्रा ओपन हो गया, तो जितना भी फ्लूइड है, जितना भी न्यूट्रिशन है उसके आगे पार्ट को आ गया और आपकी बॉडी इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएगी जब आपने उसको स्ट्रेच किया, ठीक है। और अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तो देन यू गो बेंड फॉरवर्ड, उसको आगे की तरफ आप अपनी सांस को छोड़ते हुए लेके जाएंगे, सो दैट आपका एब्डोमिन भी रिलैक्स हो जाए, आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी नॉर्मल हो जाए, तो आपको वो हेल्प आउट करेगा। सो बेसिकली रिवर्स द पोस्चर्स,
अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, सीधा लेटे हो तो उल्टा लेट जाओ, अगर स्ट्रेच पीछे की तरफ कर रहे हो जिसे सर्पासन कहते हैं, जिसको प्रोन पोजिशन कहते हैं, हमने ड्यूरिंग द कोविड प्रोनिंग बहुत ज़्यादा देखी थी, उल्टा लिटा के थपथपाना जिसे प्रोनिंग कहते थे, तो प्रोन कीजिए तो आपकी जो बॉडी के आपके जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो खुलेंगे और बंद हो जाएंगे, कोई भी लॉक नहीं होगा। तो जो सेगमेंट्स हैं, वर्टिब्राज हैं हमारे, अगर आप देखो उसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 पीसेज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे क्या होते हैं, जब अपन ऐसे बैठे रहते हैं तो वो लॉक हो जाते हैं, और जिसको हम जब खोलते हैं तो आपको इमीडिएटली रिलीफ हो जाएगा। जैसे अभी किसी की भी अगर नेक लॉक हो या बैक लॉक हो, हम अभी उसको बताते हैं कैसे एडजस्ट करते हैं स्पाइन को, बट ये आपकी सेल्फ स्ट्रेचिंग्स होनी चाहिए। सेल्फ स्ट्रेचिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको किया कीजिए, इट विल हेल्प यू इन लॉन्गर रन ऑल्सो। इसी के साथ मैं जो नर्व कंप्रेशन होता है, हेलो, हाँ, इसमें जो नर्व कंप्रेशन होता है मैं उसकी भी बात करूँगी। नर्व कंप्रेशन एक तो स्पाइनल लेवल पे होता है और उससे नीचे कोई मसल की टाइटनेस की वजह से होता है, तो आई वुड वांट टू नो कि इनमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम या शियाटिका है, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर लोअर बैक बट बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ द लोअर लिम्स। या सो अगेन, अगर हम जो मैम का क्वेश्चन रिलेट करें अपने पहले बात से, कि जब आपकी जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ी नर्व है वो शियाटिक नर्व है, जो कमर में 5 वर्टिब्रा होते हैं, 5 हड्डियाँ होती हैं, L1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्टिब्राज होते हैं, और उनमें होल्स होते हैं, वर्टिब्रा में होल्स होते हैं, फोरामेंस होते हैं, वहाँ से वो नर्व्स निकलती हैं और निकल कर वो टो तक आपके पैर के बड़े अंगूठे के लास्ट पॉइंट तक ट्रैवल करती है। जब आपको डिस्क अगर लेवल स्पाइन पर हो रहा है, तो अगर डिस्क बाहर आ जाती है या किसी भी कारणवश स्लिप डिस्क हो जाती है या किसी भी कारणवश कोई इंजरी हो जाती है और नस पे दबाव ऊपर की लेवल पे आता है, अपर स्पाइन लेवल पे, वो हम PIVD, जिसको हम प्रॉपर पक्का वाला डिस्क, जो अगर आप नॉर्मली लोगों से पूछो अरे कमर दर्द है, पैरों में भागता हुआ दर्द आ रहा है, तो एकदम लोग बोलेंगे अरे डिस्क हो गई होगी, नहीं तो शाटिका हो गया होगा, ये एक नॉर्मली लोग हमें ज्ञान पिला देंगे। वो जो डिस्क है वो डिस्क इसको बोलते हैं, अगर L1-5 में किसी भी लेवल पे डिस्क बाहर आई और वहाँ से नर्व पे दबाव आया जो कि शैटिक नर्व की किसी भी रूट पे आ गया, वो हो गया प्रोलैप्स डिस्क जो ऊपर आया। फिर वो जब ट्रैवल कर रही है तो हमारी सारी मसल्स हिप पर भी है, थाई के ऊपर भी है, और बड़ी मसल्स हैं, अगर आप देखो थाई के ऊपर लार्जेस्ट थिकेस्ट मसल्स होती हैं, ग्लूट्स हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, ग्लूट्स जो बैक ऑफ द हिप के ऊपर है, अगर आप बटक्स की बात करें तो वो ग्लूट मसल है ना, सबको पता होगा, तो जो आपके ग्लूट्स होते हैं वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। फिर आपकी थाई के पीछे हैमस्ट्रिंग मसल है, आपकी थाई के आगे क्वाड्रिसेप मसल है, और उसके नीचे जब हम पैर पे आते हैं तो आपकी काफ मसल है, काफ सबको पता है, काफ को आप एक मिनी हार्ट बोलते हो, इतनी उसकी ब्लड सप्लाई, इतनी रिच ब्लड सप्लाई है काफ की, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये थिक मसल्स हैं जब ये टाइट हो जाती हैं तो ये इसके नीचे से जो नर्व फ्लो कर रही है उसको इम्पीड करने लगती है, उसको रोकने लगती है, जिससे कि फॉल सिम्टम बिल्कुल वैसा ही आता है जैसा आपकी डिस्क के समय पे आएगा, क्योंकि नर्व कंप्रेशन वहाँ भी हुआ था और नर्व पे दबाव यहाँ भी हुआ, लेकिन ये दबाव का कारण है मसल, फेशिया। जैसे आप देखिए दो ऑर्गन कनेक्ट होते हैं बॉडी में, कनेक्ट होते हैं फेशिया से, कनेक्ट होते हैं फेशिया, एक जैसे एक इलास्टिक बैंड है, आप अगर ऐसे स्ट्रेच करते हो आपकी उंगली को तो इसके पीछे क्यों नहीं जा रही हो, क्या चीज़ उसको रोक रहा है कि ये पूरा पीछे नहीं जा रहा, कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स, सॉफ्ट टिश्यूज, फेशिया, ठीक है। तो ये जो सारे कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं जब ये टाइट होने लग जाते हैं, और वो हमारे एक जो हमने अभी बात किया कि फ्लैट फुट है, और फ्लैट फुट के ऊपर अगर आप प्रोनेटेड फुट के साथ आप डांस मूव्स कर रहे हो तो हिप को बैलेंस करना पड़ रहा है उस फुट के लिए कि आप गिरे ना, और इसीलिए हिप की मसल्स टाइट होती जा रही हैं, और उनके पीछे से जब शैटिक नर्व निकल रही है, पिरिफॉर्मिस एक ऐसी मसल है जिस जो एग्जैक्टली ऊपर है शैटिक नर्व के,
हिप के अंदर, तो जब वो छोटे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और दबाव आ जाता है तो आपको पैरों में उसी तरीके की नमनेस आ जाना, सुन हो जाना पैर, चीटी चीटी सी काटना फील होना, तलवों में बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारे सिम्टम्स हैं नर्व कंप्रेशन के। ये सिम्टम्स आपके मैकेनिकल बैक पेन में नहीं थे, वो दर्द अलग टाइप का दर्द था। दांत का दर्द अलग है, हड्डी का दर्द अलग है, मसल का दर्द अलग है, लिगामेंट अलग तरीके से दुखता है, लेकिन नर्व का पेन, ये इरिटेबल शूटिंग, पैरेस्थीजिया, नमनेस आ जाना, टिंगलिंग सेंसेशन आ जाना, ये सारा नर्व पेन क्लियरली बताता है। अगर वो डिस्क नहीं है और वो मस्कुलर लेवल पे है, तो आप अगर मसल्स को स्ट्रेच करोगे, रिलीज करोगे, उसको अल्टरनेटली हॉट कोल्ड के साथ रिलीज करोगे, वेरियस इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे अल्ट्रासोनिक है, लेज़र है, इनसे अगर आप उनको रिलीज करोगे, इट विल इमीडिएटली गो। ओके ओके मैम, हाँ जी बोलो। नमस्कार मैम, मुझे जैसे कि आपने बताया जो फुट वाला, मेरे यहाँ पर एक इंजरी मतलब थोड़ा सा हो गया है, तो हाँ तो विष्णु नहीं बनता, मतलब ऐसे करके हम वो नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ सजेस्ट कर पाए। हाँ जिससे आप ये तो बैठ के विष्णु नहीं बना पाते, मतलब एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ये हम उसके लिए बात कर रहे थे अभी, जो मैं आप लोगों को बता रही थी। ये पहले तो मैं ये मार्क करूँ, ये तो इनको इंजरी से हुआ है, ये सारा स्वेलिंग है और इंजरी की वजह से हुआ है, बट यही डांसर्स में हड्डी बाहर आने लग जाती है अगर उनका आर्च कम है और वो रिपीटेडली डांस कर रहे हैं इस फुट के साथ और अपनी मसल्स को रिलैक्स या स्ट्रेच नहीं करते हैं, तो ठीक है, इसे हम हेलक्स वेलगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलक्स वेलगस, ये बोन बाहर की तरफ आना। ठीक है, तो अभी आपको क्या पोजीशंस में दिक्कत आ रही है? मुझे मतलब बनाते हैं बट ये ऐसे करके नहीं, वो पेन हो रहा है, वो है ना, तो उसमें ना बहुत ज्यादा पेन होता है और वो पेन यहाँ से यहाँ लगता है, यहाँ से पीछे तक आता है। हाँ, तक और वो जब आप वो मूवमेंट करते हैं तभी ऊपर पेन आता है, बस, और वैसे कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, आप एक बार आगे बेंड कीजिए, पूरा पूरा आगे अपने टोस टच करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा? जाओ जाओ नीचे टो टच करो, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? डांसर्स हैं भैया, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। अब एक मिनट, अब वापस आ जाओ। हाँ, तो ये अब एक और चीज जो हम बात कर रहे थे, आई थिंक ये तो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये मॉडल बहुत अच्छा है। अगर आगे टच नहीं कर पा रहे, अगर आगे टच नहीं कर पा रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर्स टाइट होंगे इनके? कौन सी मसल्स टाइट होंगी जो ये आगे टच नहीं कर पा रहे? बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पैर के अंगूठे की वजह से विष्णु नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब आप देखो, सीधे आ जाओ, ऐसे हो जाओ। अब जो मैं फर्स्ट, उसका पोस्चर ठीक था, स्टिल पेन हो रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत मसल्स टाइट होंगी। अब आप इनका देखिए पोस्चर, अगर आप देखेंगे इसको हम निकाल सकते हैं क्या? अंदर कुछ बनियान पहना है? समझदारी है दीदी। अच्छा, फिर रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप मेरे हाथ को चेक कीजिएगा, क्योंकि ये लूज है तो आपको दिखेगा नहीं। अगर आप देखो, इसकी नेक बिल्कुल सीधी है। सब लोग अपनी नेक के पीछे हाथ लगा के देखो, क्या सीधी है आपकी नेक? क्या आपको यहाँ बीच में हॉलो नहीं फील हो रहा? जब अपन सोते हैं तो हमारी गर्दन थोड़े ना लगती है बिस्तर से, उस पर तकिया रखना पड़ता है, तभी वो फ्लैट होती है ना। लेकिन आप इनकी नेक देखिए, स्ट्रेट स्केल के जैसी, जबकि ऐसी नेक होती नहीं है किसी के भी। नेक कर्वेचर, स्पाइन कर्वेचर हमारी बॉडी में एस शेप होता है, ये ऐसे होती है स्पाइन, ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका पोस्चर है, ये वाला जो पार्ट ऑफ द स्पाइन है, ये ऐसे होता है। जब ये ऐसे आएगा तब ये पीछे उठेगा लाइक दिस, और फिर ये जो है ये फिर अंदर जाता है नेक, और ये हॉलो। अगर आप देखें, अगर अपनी पीठ के पीछे सब लोग हाथ लगा के देखो, आपको यहाँ पर एक गड्ढा जैसा हल्का सा फील होगा कि देर इज़ अ हॉलो। अगर हम सीधा लेटते हैं तो हम ऐसे ही होता है ना,
गर्दन पूरी नहीं लगेगी और कमर का ये वाला पार्ट भी छोटा सा एक पार्ट है जो पीछे फ्लैट नहीं होता, राइट है। ये दो कर्वेचर्स हमारे को मिले हुए हैं, इन्होंने क्या किया हुआ, ये कर्वेचर ख़त्म, अब इसको बैलेंस करने के लिए इसने कंधे को ये कर्वेचर इसने उल्टा कर दिया और अब देखो इसका हिप कहाँ गया, हिप चला गया पीछे, अब देखिए आपको समझ में आएगा, ये पीछे चला गया, पेट अंदर, शोल्डर राउंडेड, नेक रिलैक्स, रिलीज रिलीज रिलीज, पेट को अंदर खींचो, पेट को अंदर खींचो, अंदर खींचो, ये अंदर जाता जाएगा, आप देख रहे हैं, नहीं तो ये ऐसे उठ गए, ये ऐसे हैं पीछे पेल्विस, और कई लोग ऐसा चलते हुए आपको दिखेंगे। और डांसर्स में एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वो अपने फुटवर्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो पेल्विस को भूल जाते हैं, दे फॉरगेट, जबकि यही मैकेनिक्स है जो पूरी स्पाइन को आपको संभाल रहा है। आप जब स्पिन लेते हो तो आप इसी पर ही तो ले रहे हो, ठीक है, और फिर आप सडनली स्पिन लेके धाड़ करके रुकते हो, ऐसे ही रुकते हो, तो जब आप रुकते हो तो नीचे की बॉडी तो आपकी आ गई स्टेबल, लेकिन ऊपर की बॉडी अभी भी ड्यू टू इनर्शिया, जो न्यूटन का लॉ है, वो घूमती है, और वो घूम के एक झटके में फिर बैलेंस होने में थोड़ा सा समय लेती है, तो आपका हल्का सा ऊपर नीचे चल रहा है बैलेंसिंग। तो जितने हमारे जो हम अभी बात करेंगे वार्म अप्स की और उसकी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को समझो, खुद से रियलाइज़ करो कि क्यों ये तो इनकी स्पाइन पूरी टाइट हुई हुई है, ही बैडली नीड्स अ बिग टाइम फिजियोथेरेपी सेशन, बिकॉज इसकी तो ये जो मसल्स है स्पाइन की वो ही टाइट हुई हुई है, और वो टाइट होने की वजह से अब जब इसने पेल्विस ले लिया पीछे, तो जो मसल यहाँ से निकल के हैमस्ट्रिंग जिसे कहते हैं, ये है हैमस्ट्रिंग, ठीक है, और ये है काफ, ये काफ है, ठीक है, सबको क्लियर है। अब जब हम हैमस्ट्रिंग की बात करते हैं, तो हैम्स क्या हुआ, उसका पेल्विस गया पीछे, तो हैम्स को ट्रैवल करने के लिए ये जगह बढ़ानी पड़ेगी, वो सीधी जाती, सीधी जाने की वजह से क्योंकि पेल्विस पीछे गया तो उसको ऐसे ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, तो वो यहाँ टाइट हो गई। जब वो टाइट हो गई तो यहाँ पर भी तो शाटिक नर्व जा रही है, ये जो पैर का अंगूठा है वो एक और एडिशनल प्रॉब्लम हो गई तुम्हें, तो ऑलरेडी यहाँ भी प्रॉब्लम है, अगर इसको रिलीज़ करेंगे तो शाटिक नर्व रिलीज़ हो जाएगी, जब वो रिलीज़ हो जाएगी तो अगर पैरों में कोई सिम्टम आना शुरू हुआ है वो जाता चला जाएगा, समझ में आया। तो हैम्स की स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, हर बच्चा यहाँ पे अभी इसके बाद में ट्राई कर लेना, सब लोग अपने टोज टच करने चाहिए ही चाहिए, एज अ डांसर यू बैडली नीड अ गुड हैमस्ट्रिंग, गुड क्वाड्रिसेप, गुड हिप मसल्स, गुड ग्लूट्स एंड योर गुड कोर, कोर को भी नहीं भूलना, क्योंकि जितनी भी ब्रीदिंग, जितने भी पैटर्न्स आपके हैं, अगर आपकी कोर स्ट्रांग नहीं है सो देन यू लूज इट, वो बहुत जल्दी गिव अप करेगी। तो ट्राई टू कीप ऑल दीज मसल्स एंगेज्ड व्हेन यू आर डांसिंग, आप अपने बॉडी के हर केंद्र पे केंद्रित रहे, फोकस रखें, एंड दैट इज व्हाट डांस इज ऑल अबाउट, यू नो, मेंटल फोकस। सो ये भी एक पार्ट है कि बिकॉज व्हेन यू डांस यू इंजॉय, आप अपनी बॉडी को फ्लो होने देते हो, बट कीप इन माइंड द करेक्ट पॉस्चर, ये पॉस्चर बहुत खराब पॉस्चर है, बहुत ही खराब। लेकिन ये ठीक हो सकता है, अगेन प्रिवेंटेबल क्योरेबल, तो हमें ये ट्रीट करना है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे और दूसरा ऐसा कोई पॉस्चर बनने नहीं दे, है ना, तभी है। और अब तुमको पता लग गया तो तुम किसी और को भी टोक सकते हो जो गलत है। सो बेसिकली एक बार बैठो, इस पे बैठो, हाँ ठीक है, इसकी थोड़ी सी नेक एडजस्ट कर देते हैं, आप सिर इधर करके लेटो। अभी आप इसकी आपने स्पाइन नेक देखी थी, अब हम हल्का सा इसका जो इसने बोन्स लॉक, जो हम पॉस्चर की बात कर रहे हैं, हल्का सा रिलीज करते हैं, देन यू सी कि कर्वेचर कैसा हो जाएगा। लेटिए सिर इधर कीजिए, हाँ सो जाए, ठीक है। अब ये इनकी स्पाइन थी जो बहुत स्ट्रेट है, ठीक है, अब इनकी हम मूवमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं, मूवमेंट्स भी मैं ज़बरदस्ती खींच रही हूँ, तब कान कंधे से लग रहा है,
तो आप इससे क्या समझ रहे हो कि ये मूवमेंट्स भी उसकी धीरे धीरे टाइट होनी शुरू हो गई हैं, जो हम ये साइड मूवमेंट्स करते हैं, सब लोग करके देखो कि हम ये साइड मूवमेंट्स करते हैं, नेक पर रोटेशंस करते हैं, कंधा उठा के कान टच नहीं करना और कंधे नहीं उठने चाहिए, सिर्फ आपका कान कंधे से लगना चाहिए, ठीक है। रोटेट करते हो तो दोनों साइड करके देखो, क्या राइट से बराबर देख पा रहे हो लेफ्ट के जैसा, किसी को राइट से ज्यादा दिख रहा होगा, किसी को लेफ्ट से ज्यादा, ये रोटेशन मूवमेंट्स है। पीछे की तरफ कोशिश कीजिए, राइट कितना घुमा पा रहे हो, राइट कितना घुमा पा रहे हो और लेफ्ट कितना घुमा पा रहे हो, बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये हमें बराबर स्ट्रेचिंग करनी है। अब हम इनकी स्पाइन को हल्का सा जहाँ टाइट है उसको रिलीज कर देते हैं। ओ मम्मी इसको आगे मम्मी यार, ये यहाँ से रिलीज हो गया क्योंकि उसका इतना लॉक्ड एटीट्यूड है कि वो स्पाइन को एक्चुअली टाइट ही रखेगा। तो क्या होता है कि अपने आपस में बोन इंटरलॉक हो गए। अब इधर भी ओपन कर देते हैं। जाती थी। रुको, रिलैक्स छोड़ दो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक सेकंड लूँ। ओ मम्मा चलो आप बैठो, आप बैठो, खड़े हो, जिंदा है, हाथ पाथ सब ठीक चल रहा है, हाँ। अब आराम से रिलैक्स खड़े, रिलैक्स हो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। अब ऊपर मूवमेंट कर, आराम से सिरे कर। नाउ इफ यू कैन सी, उसका यहाँ जो एकदम टाइट स्ट्रक्चर्स थे वो आपको लूज दिखेंगे। बेटा सीधा सा ऊपर देखो, कैन यू सी दिस, ये सारा लूज हो गया क्योंकि उसको तना के रखा था, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स करेंगे, लॉक अपने आप ओपन हो जाएंगे, कहीं पे भी इंटरलॉकिंग हो रही है तो वो अपने आप लॉक हो जाएगी स्ट्रेचिंग की। आप लोग चेयर को होल्ड करके कर सकते हैं जिससे कि कंधे ना उठे, क्योंकि हम लोग ये नहीं करना है, ये नहीं करना है ना, करना क्या है आपने, फॉर एग्जाम्पल आओ, अगर हमें नेक की स्ट्रेचिंग्स करनी है तो आप क्या करो, एक हाथ से चेयर को होल्ड कर लो। आपने चेयर को होल्ड किया, ठीक है, और उस हाथ को यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, और अब इसको स्ट्रेच कीजिए। कैन यू सी द टॉट बैंड, जब मैंने यहाँ से पकड़ लिया तो ये कंधा नहीं उठा पा रहे, और इनकी मसल देखो कितनी टाइट है, दिख रही है सबको। अभी आप लोग आलती पालती मार के बैठे हैं तो हाथ को अपने पैर के नीचे दबा सकते हैं, दबा सकते हैं, तो उससे एंड देन यू स्ट्रेच, शोल्डर अपनी जगह पे रहेगा, तो ये आपका जो स्ट्रेच आएगा, ये दिस विल बी हेल्पिंग द एंटायर स्पाइन आल्सो। जब ये स्ट्रेचेस कर रहे हैं तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स रोटेटिंग देयर नेक, गर्दन नहीं घुमाना, वो फिर ट्रिक मूवमेंट हो जाएगी, बिल्कुल सीधा है और सीधे में ही साइड में सीधा लेके आ जाएगी, उसके शोल्डर का पोस्चर अच्छा है, तो इसके लिए मजाक नहीं बनाना है ना, ये अच्छा है, हाँ देखो क्लैपिंग भी हो गया ना अभी तो नहीं, शोल्डर इज परफेक्ट, उसका शोल्डर बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली ये मसल थोड़ी टाइट है, जब वो इन्हें रिलीज करेगा विद इन अ मंथ ही विल बी हैविंग द बेस्ट पोस्चर इन द इंस्टीट्यूट, क्या ठीक है। तो ये हमारे, हमने सर्वाइकल स्पाइन के लिए किया, राइट right? अभी बाकी बताएं या पहले आगे के क्वेश्चंस ले लें? आगे के क्वेश्चंस लेते हैं, ले लेते हैं, तुम्हें छोड़ देते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू कि व्हाट आर दी एक्सरसाइजेस और वार्म अप स्ट्रेचेस दैट वी शुड डू सो दैट हमारा पोस्चर मेंटेन रहे, जो गुड पोस्चर है वो मेंटेन रहे, बिकॉज आई कैन अभी इतने टाइम से काम कर रही हूँ यहाँ पे और बीइंग माई सेल्फ अ डांसर, तो आई नो कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमने थोड़ा सा डांस कर लिया, जैसे तत्कार एक होता है फुटवर्क, हमने तत्कार कर लिया, थोड़े से हैंड मूवमेंट्स कर लिए तो वो हमारा वार्म अप बन गया, उसके बाद फिर हम फुल फ्लो में अपना और जो बाकी का रेपर्टोर है वो करते हैं। बट आफ्टर बीइंग इनटू दिस फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी आई हैव रियलाइज्ड कि तत्कार एंड हैंड मूवमेंट्स आर नॉट इनफ फॉर द वार्म अप। तो
ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस वार्म अप खास तौर से स्पेसिफिकली फॉर आर लो बैक शुड बी डन बिफोर आर डांस सो दैट वी कैन अवॉइड दीज प्रॉब्लम्स टू हैपन. देखिए सबसे पहले तो बिल्कुल सही, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो एथलीट्स हैं या डांसर्स हैं या कोई एक्टिव यू नो प्रोफेशन में है जहाँ ऑलरेडी बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं, तो उनको लगता है कि वार्म अप करना भी है कि नहीं, क्योंकि जब वो आते हैं भागते हुए आ रहे हैं तो बोले हो गया वार्म अप, हम तो भाग के ही आए ना, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, हमारा सर्कुलेशन बेटर हो गया, सो इज़ इट इनफ. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि वार्म अप करना अलग से चाहिए या जो हमने स्टार्ट किया डांसिंग और आप लोग जैसे पूजन करते हैं या प्रे करते हैं या जो इनिशियल आपके स्टेप्स हैं दैट इज़ एनफ. आप लोगों को क्या लगता है कि वार्म अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सभी को लगता है, सभी को लगता है ना, ठीक है. तो जिनको ये लगता है कि नहीं करना चाहिए उनको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए अगर मान लीजिए कार आप स्टार्ट करो और कार आप रोको, व्हेन यू आर स्टार्टिंग एंड व्हेन यू आर स्टॉपिंग, दोनों टाइम पे उसके बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है. चाहे वो 90 की स्पीड से आपने सडन ब्रेक लगा दिया या आपने इनिशियल उसको इग्नाइट किया और उसका इंजन स्टार्ट किया, वो मैक्सिमम लोडिंग और डीलोडिंग की स्टेज है. इसलिए हमारी बॉडी भी एक तरीके का इंजन है, राइट? तो अगर वार्म अप की बात करें तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बॉडी इंजन, तो आपका वार्म अप करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि सडनली अगर स्टार्ट होता है तो जितना भी शरीर का ब्लड है, जो ब्लड सप्लाई है आपके हार्ट से, वो बाकी के ऑर्गन को छोड़ के मसल की तरफ भागेगी. समझ रहे? इट विल मूव टुवर्ड्स योर मसल्स. जिनको डांस करना है लेग मसल्स, आपके हैंड की मूवमेंट्स है हैंड मसल्स, आपको बैठना है तो आपकी स्पाइन, आपकी थाई मसल्स, आपका एब्डोमिन मसल्स, राइट? तो वहाँ पे सर्कुलेशन को जाना है और बाकी के ऑर्गन्स को कुछ समय के लिए रोकना है. सो यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन द हार्ट कि जब मैं करूँ. आप देखो हमें इस समय और हम एक डिफ़िकल्ट स्टेज में है पोस्ट कोविड. अगर आपने सुना होगा जिम में हार्ट अटैक आ गया, कितनी न्यूज़ आती है, 30s और 40s के एक्टर्स एक्ट्रेसेस यंगस्टर्स का सडन कार्डियक अरेस्ट. क्यों? क्योंकि एक कोविड में इसका योगदान ज़रूर था कि कोविड में हमारी जो लंग्स एक्सपेंशन थोड़ी कम हुई, जिन लोगों को कोविड हुआ तो उनके जो ऑक्सीजन इनटेक की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हुई. सो बेसिकली मैं मुझे सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं तो ठीक है. सो बेसिकली वेरी इम्पॉर्टेंटली आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप मैक्सिमल स्टेज, जब आपकी परफॉर्मेंस है, जिस समय में आपका पूरा बॉडी हार्मोन सारा सिस्टम एक रश में होगा, उस समय जो आपका ये 2 से 5 मिनट का मैक्सिमम 10 मिनट इसका जो वार्म अप है वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा. आपको ये इंजरी से भी बचाएगा, आपको कोई मिस हैपनिंग से भी बचाएगा, और इवन इफ यू आर गोइंग टू अ जिम और डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम डांस ऑल्सो, जस्ट रिमेंबर आप जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ब्लड किधर किस जगह पे काम करना चाहिए, आपका ब्रेन किस जगह पे काम करना चाहिए, आपका नर्वस सिस्टम कहाँ केंद्रित होना चाहिए, ये सब सोच के शुरू कीजिए और यही सब सोच के खत्म कीजिए. वो 5 और 10 मिनट आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा लेंगे. आई टेल यू दैट बिकॉज हमारे पास इतना इंजरी आता है, इतना इंजरी. आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 23 ईयर्स और मैं जिस एरिया में हूँ वहाँ चारों तरफ जिम है, मैं बीच में हूँ बिल्कुल. तो हर जिम का जिम ट्रेनर भी मेरा पेशेंट है, उसका क्लाइंट भी मेरा पेशेंट है, क्योंकि जिम ट्रेनर भी ये सब बातें बता नहीं रहा है उनको. एंड दैट इज़ वाई वी टोटली थिंक कि वहाँ भी एक फिजियोथेरेपिस्ट ज़रूर होना चाहिए. बिकॉज आप लोग भी कितने बॉयज़ हैं जो ज़रूर जाते होंगे जिम, आजकल तो हैपनिंग है. कितने लोग जाते हैं जिम? सर बिल्कुल जाते होंगे. पीछे आप भी जाते हैं? नहीं जाते हैं? कोई और हो जाते हैं? तो जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपकी परफॉर्मेंस शुरू होनी है तब भी दैट यू डू अ गुड वार्म अप सो दैट योर बॉडी योर हार्ट
your blood circulation is towards the muscles. Your nervous system is active enough कि आपको immediately stop कर सके अगर आप wrong जा रहे हैं. अगर आपकी कोई movement एक inch आगे और एक inch पीछे हो जाती है और आप गिर सकते हैं, तो आपका brain इतना active होगा कि उसको stop कर लेगा. उसका nervous system, उसका neuromuscular activation हम बोलते हैं, जब reflexes आएंगे तेजी से, and that a good warm up can do for you. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में, जो आप लोग भी यूज कर सकते हो, रैम्प. सब लोगों को पता होगा रैम्प, आर ए एम पी. सो वॉट इज अ वार्म अप डू? रैम्प, आर इज रेज, रेज द हार्ट रेट. बिकॉज इमीडिएटली जाके हार्ट रेट मत इंक्रीज करो, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे. रेज द हार्ट रेट एज पर योर बॉडी वेट, योर एज. देन ए इज फॉर एक्टिवेशन, एक्टिवेट योर मसल्स. देखो, मसल्स के फाइबर्स को लेंथन करो, उनको स्ट्रेच करो. जब उन्हें स्ट्रेच करोगे तो वो अकस्टम हो जाएंगे कि अब जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उसको लेंथन्ड पोजिशन में काम करना है. एम फॉर मोबिलाइजिंग, व्हाट डू यू मोबिलाइज? यू मोबिलाइज योर जॉइंट्स. हाथ की मुद्रा के लिए यू मोबिलाइज योर शोल्डर्स. आपने शोल्डर्स, रिस्ट, एल्बोज, ठीक है, आपके फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दीज पोजिशंस, इन सबको आपने करेक्ट किया. सो यू हैव मोबिलाइज द जॉइंट्स जो इन्वॉल्व होंगे आपके डांसिंग में या आपके नेक्स्ट स्टेजेस के लिए, राइट? एंड पी इज फॉर पोटेंशिएटिंग, मीनिंग बॉडी को एकस्टम करना और उसके पोटेंशियल को एग्जैजरेट करना जिससे कि वो फॉल ना हो. सो दैट इज वॉट अ गुड वार्म अप डू फॉर यू. एंड सिमिलरली जब आपका परफॉर्मेंस खत्म हो जाए तो कूल डाउन जरूर करो. बिकॉज जो चीज ऊपर करी थी अपन ने, वो चीज सडन ब्रेक नहीं लगाना. सडन ब्रेक लगाते ही जो लेंथ एंड फाइबर को रोका, तार टूट जाएगा. अगर उसकी मसल की लेंथ इतनी थी और आपने इतनी स्ट्रेच कर दी और वापस फिर इस पे ला रहे हो, तो जरूरी नहीं है वो वहीं पे आए, वो नीचे भी जा सकती है और वो टूट भी सकती है. मसल स्ट्रेन, लिगामेंट स्प्रेन. लिगामेंट इज अ स्ट्रक्चर जो दो हड्डियों को जोड़ रहा है. आपने स्ट्रेच किया और फिर वापस आए, वो लिगामेंट भी टूट सकता है, राइट? सो स्ट्रेन, स्प्रेन ऑफ लिगामेंट्स, रप्चर्स, और अगर ब्लड सप्लाई वहां पे नहीं प्रॉपरली पहुंच के वापस नहीं रुकी है, वो ठंडी मसल नहीं हुई है, तो जिसको आप लोग करते हो ना मसल सोरनेस, कि परसों परफॉर्मेंस थी यार, दो दिन बाद दर्द क्यों हो रहा है? कईयों को होता होगा, जब बिगरेस प्रैक्टिस रिहर्सल के दो दिन बाद दुखन होती है. हम भी कहते हैं ना, इंजरी हुई, अभी तो गर्म खून है, रुक जा, अभी तो 24 घंटे बाद दर्द होगा, बोलते हैं ना जब गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि होता क्या है, व्हेन यू परफॉर्म, तो आपकी बॉडी में कई सारे ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जो जब अगर आप कूल डाउन नहीं कर रहे हो तो वो किडनी या बाकी स्वेट के थ्रू रिलीज नहीं हो पाते. लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो एक्यूमुलेशन आपकी मसल को सोर कर देता है, जिसको हम डॉम्स बोलते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस. इफ यू डू अ गुड कूल डाउन, वो प्रॉब्लम नहीं होगी. आपका जो करियर है वो भी आगे, जितना आप लंबा, मतलब कहते हैं ना 100 वर्ष की भी डांसर्स है, सो आई थिंक दे नो इट, दे नो देयर बॉडी वेल. सो एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड वॉट देयर बॉडी नीड्स, वॉट इज द डायग्नोसिस ऑफ योर ओन बॉडी, एंड देन गेट योर सेल्फ ट्रीटेड. Okay. नमस्कार मैम, मेरा ये क्वेश्चन था एक, कि आज के समय में और मेट्रो सिटीज़ में जब हमें ऑफिस भी आना है और दूरियां बहुत हैं घर से यहाँ तक आने का, जैसे मैं हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा से आता हूँ यहाँ, सो मुझे लगभग डेली रनिंग 125 किलोमीटर गाड़ी चलाना होता है डेली. सो और जो जैम होते हैं सड़क पे, उसमें भी आप क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, ये है, फिर ये तो है, इसके साथ साथ गाड़ी की आज में, आजकल जो गाड़ी में बैठने का जो सीट आ रही हैं वो बकेट टाइप की होती है कि आप उसमें फिक्स हो जाते हैं, तो उसमें बैठे बैठे तो उसमें लगभग 3 घंटे उसमें जाते हैं कि आप उसी पोजिशन में 3 घंटे बैठे हो और 150 किलोमीटर लगभग आप गाड़ी चला रहे हो डेली. सो इसमें जो मसल पेन होता है, काफ मसल है, इसके लिए क्या करना चाहिए? और उसमें बैठने से कभी कभी आपके बैक पेन भी होता है, बैक में मतलब नेक होता है, क्योंकि आज आप बहुत रेस्ट कर नहीं पाते हो और आपको सीधे बैठे रहना है क्योंकि आपको देखते रहना है दोनों तरफ,
सो हम लोगों को जो ये काफ मसल पेन है, ये जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो इसको थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, और चूंकि एक्सरसाइज भी करते हैं तो डिप्स हुए, आप जो बैठना हुआ जिसको हम लोग बैठक कहते हैं, सो ये सब भी करना होता है, तो कुल मिला के मसल्स टाइट होते जाते हैं। सो इससे कैसे रिलैक्स किया जाए और इन लोगों के लिए क्या है? हमारे साथ और भी लोग हैं जो काफ़ी लंबी ड्राइविंग करते हैं, और चाहे वो बाइक से हों चाहे वो कार से हों, तो उसके लिए आप कुछ सजेस्ट करें कि कैसे? बिल्कुल, आई थिंक वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि ये सबके लिए ही है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस दिल्ली में और ट्रैफिक जैम्स। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा काफ के लिए, तो एक्सेलरेटर ब्रेक क्लच एक तो तरीका है, फुली ऑटोमेटिक गाड़ी ले लें सबसे ईजी अगर वो नहीं ले पा रहे तो क्या करें? सो बेसिकली करना क्या है कि ना केवल काफ, उससे स्ट्रेन आपकी हिप में भी, जो हम पिरिफॉर्मिस की बात कर रहे हैं, वहाँ भी पड़ता है और हैमस्ट्रिंग में भी पड़ता है। स्पेशली जब आप शू जो थोड़ा हील वाला पहनते हैं, तो हम लोगों का नॉर्मली पैर ऐसे ही रहता है। आप आए, मैं आपको बताती हूँ। सेम प्रॉब्लम, बैठ। तो जैसे अगर ये गाड़ी में है, सो बेसिकली टेंशन जो जनरेट होती है वो क्योंकि अगर हमें एक्सेलरेट नहीं भी करना है तो हमारी जो बॉडी रिफ्लेक्सेस हैं वो इसको ऐसे ही रखते हैं, पैर को आप नीचे नहीं रख पाते। सो फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स, ये दिस इज कॉल्ड डॉर्सिफ्लेक्शन, और आप नीचे की तरफ, और आप इनको क्लॉ कीजिए टोज को, ठीक है? आप क्लॉ कीजिए, खोलिए, स्प्ले कीजिए, हाँ, और फिर इसको फिर से टाइट कीजिए, देन यू मूव इट अप, अप एंड डाउन। वहाँ पे थोड़ी जगह है तो जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो बीच में, जब आप उस फुट को यूज़ कर रहे हो तो इसको करेंगे, तो आपका ये यहाँ पे स्पेशली ज़्यादा टेंशन इसलिए भी होता है, जैसे मैंने कहा ये एक छोटा हार्ट है हमारा, मिनी हार्ट है काफ, ठीक है? काफ की टाइटनेस होने की वजह से बहुत लोगों को पता नहीं है, बीपी शूट हो जाता है। अगर आपकी काफ रिलीज नहीं है और यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइट हार्ड हो जा रही है, तो आप एक तो सर घर पर एक फोम रोलर रख सकते हैं, एक छोटा फोम रोलर, आजकल तो वाइब्रेटर मोड वाले भी आ रहे हैं, सो आप बेसिकली आप उसको रिलीज कीजिए काफ को रोलर के साथ, वो थोड़ा ज़रूर कीजिए, फोम रोलर विल हेल्प यू। देन व्हाट यू कैन डू, आप इसको बैठे रहने के साथ में, जैसे ऑफिस में बैठे पैर स्ट्रेच कीजिए, उठाइए इसको ऊपर लेके जाइए, नहीं यहाँ से नहीं उठाइए, यहाँ इसको नीचे रखिए, सिर्फ ये लेग उठाइए, यहाँ से उठाइए, राइट, उठाइए ऊपर, हाँ, और ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाइए, हाँ ये, अब इसको स्ट्रेच करें, आप इससे नहीं, इसके ऊपर नहीं काम करिए, सिर्फ काफ को कीजिए, ठीक है? उसको स्ट्रेच कीजिए, वी कैन हैव अ बैंड, थेराबैंड आते हैं, एक्सरसाइज बैंड्स आते हैं, तो दो चीज़ें अमेजोन पर आज देख लेना, एक थेराबैंड्स या लूप बैंड्स, ठीक है, और एक फोम रोलर, छोटा सा, सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्सरसाइज की, आप पॉकेट में रख सकते हो। तो जैसे आपका ये एक बैंड है, तो आपने उस बैंड को यहाँ अटकाया, अटका के आपने उसको और स्ट्रेच कर लिया, तो वो यहाँ से भी स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है? जब वो यहाँ से स्ट्रेच होगा तो इसके दोनों हेड्स जो नीचे नीचे से निकल रहे हैं वो दोनों स्ट्रेच हो गए, ठीक है, सेल्फ स्ट्रेच हो गए। उसके बाद में आप जो मैंने फीट के लिए बताया था, आप उस पानी की बॉटल को उसके ऊपर भी रख सकते हो, फ्रीज़र में रखिए काफ के नीचे, ठीक है? और काफ के नीचे अगर आपने रोल किया तो ये रिलीज हो जाएगा, प्लस आइसिंग भी हो जाएगी, दैट विल इमीडिएटली हेल्प यू। हाँ नहीं, वो आइस पैक एक वो स्टैटिक लगाया और एक आपने रोल किया, ठीक है? हाँ, सिमिलरली आपने पैर के नीचे भी, क्योंकि सारा सेंसरी रिसेप्टर फुट के नीचे है, तो आपने वो बॉटल को नीचे भी रखा, या एक टेनिस बॉल ले लिया, आपने एक बॉल लिया, बॉल इसके नीचे रखी, ये आज आपका कम है आज थोड़ा सा, ठीक है? तो आप यहाँ रखो, जब आप यहाँ रखेंगे तो आपका ऐसे हो जाएगा पैर, बॉल आ गई, ठीक है? अब आप इसको रोल कीजिए, तो आपने जो ये फुट मसाज किया एक तरीके से, प्लस अगर वो आइस वाली बॉटल है तो आपका ये फेशिया, प्लांटर फेशिया जो टाइट है, ये सारा टाइट है, ठीक है? इसको रिलीज़ कीजिए, इसको रिलीज़ कीजिए, इसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका ये ठीक है जॉइंट, राइट? जबकि आपका टाइट है उसके बावजूद भी ये ठीक है, इसका मतलब मसल स्ट्रांग है, इसीलिए अभी तक गिव अप नहीं करिए, राइट? तो आप इसको भी क्या कीजिए, वो बैंड लगा के, यहाँ पे आपने बैंड लगाया और मेरी तरफ पुश कीजिए, मेरी फिंगर को रेजिस्ट कीजिए, ये जिससे इन मसल्स के ऊपर करेक्ट बने, और इनको रिलीज कर लीजिए,
एक तो ये आप कर सकते हो बॉल के साथ, अगर आपने 5 मिनट भी टिश्यूज रिलीज किए, दैट विल हेल्प यू. सिमिलरली अगर आप शोल्डर्स की बात करें, क्योंकि आपको कार ऐसे पकड़ना होता है, जब हम कार को ऐसे पकड़ रहे हैं तो सिमिलर सीधा से सिंपली आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में फॉरवर्ड आगे की तरफ लेके जाएं, जैसे आपने आप स्टेयरिंग है, यू होल्ड दैट एंड यू गो फॉरवर्ड, लीन फॉरवर्ड, ठीक है, तो स्पाइन आगे की तरफ जाएगी, जो हमने कहा कि पीछे ओपन हो जाएगा स्पेस और फ्लूइड जाएगा, एंड देन रिट्रैक्ट पीछे की तरफ ले आओ. सारे जॉइंट्स में से आवाज़ आनी शुरू हो गई ना, हाँ, तो ये बेसिकली ये पीछे जब जाएंगे तो ये स्ट्रेच हो गया. और फिर अपनी ऑफिस चेयर पे या आप बैठते हैं वो हाथ भी पीछे रखिए और अब इसको स्ट्रेट कीजिए और एक्सटेंड कीजिए. ये एक्सटेंशन हो गया कि आगे के वर्टिब्रा स्पेसेस ओपन अप हो गए. सो बेसिकली ये एक तरीके से इनके शोल्डर्स दुखेंगे नहीं, ही इज डूइंग एक्सरसाइजेस, तो इनकी मसल्स ऑलरेडी अच्छी हैं, ऑलरेडी अच्छी है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, ही जस्ट हैज टू रिलीज इट, क्योंकि जिम में रिलीजिंग कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है. हम लोग भी जो एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप भी करते हैं, और बहुत 5x5 है जिसमें पुशअप्स हैं, बैठना है और हाफ बेंड होता है, जब आप खड़े होते हैं तो हाफ बेंड होता है जिसमें आप इसमें. लेकिन एक चीज अच्छी है, मैं बताती हूँ कि अगर इंजरी बची रहती है इससे, दैट इज गुड, दैट ही इज नॉट गोइंग टू एक्सट्रीम ऑफ द मोशन. अगर ये पूरा नीचे जाते थे तो फुल गया, और कई बार डेडलिफ्ट करते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि जब वो डेडलिफ्ट करते हैं ना, वो कभी छूट जाता है और वो छूटते ही डिस्क बाहर. सो वॉट ही इज ट्राइंग टू डू, या इनके ट्रेनर जो बता रहे हैं, इज अवॉइडिंग दैट इंजरी, इज अवॉइडिंग दैट, क्योंकि ये पूरा ना एक्सटेंशन में जा रहे हैं. अगर ये पूरा पीछे जाते थे तो वो लॉक पूरा पीछे जाएगा और वहाँ कहीं जाके कुछ, जैसे आप लोग सीधा जब लेटते बेंच प्रेस करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सटेंशन, पूरा एक्सटेंशन में करते हो. अब उसमें छूटा तो फिर जर्क पीछे जाएगा, है ना. तो आप जो मिड रेंज कर रहे हो इट्स गुड, बट आपको लास्ट की रेंजेस भी करनी तो पड़ेंगी, बिकॉज फिर वहाँ मसल वीक रहेगी. सपोर्ट लेते हैं कि एक लाइन ज्यादा करते हैं, हाँ, रिक्लाइन ज्यादा करते हैं कि आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट सपोर्टेड रहे, हल्का बॉडी वार्म अप रहे, बॉडी वार्म अप रहे. हम लोगों को भी बहुत देर तक, जैसे मैम ने बताया कि 2-3 घंटे कॉन्सर्ट है, तो हारमोनियम वो साइड में है तो ये पूरा रखना पड़ता है. एग्जैक्टली 2.5-3 घंटे का अगर कॉन्सर्ट, हाँ, तो आप पूरा बजाने के बाद हाँ, तो ये आप ना अपनी नर्व स्ट्रेचिंग भी इसको ऐसे कर सकते हो. जैसे आपको वहीं पे कोई वॉल मिल गई, फॉर एग्जांपल आपने इसको उधर स्ट्रेच रखा था, अब आप रिवर्स कर रहे हो, जो मैं रिवर्सल बता रही हूँ. अब आप ऐसे रखिए, ये दीवार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये दीवार है, हमने रख लिया. अब आप अपनी नेक उस साइड स्ट्रेच करो, कंधे को लगाने की कोशिश करो, आपके पूरे हाथ पे एक स्ट्रेच आया होगा, आ गया. अभी आप आगे की तरफ लेके जा रहे हो, कान को कोशिश करो कंधे से लगाने की, राइट, शोल्डर डाउन एंड दिस, आ गया स्ट्रेच, आ गया ना. तो अब ये जो स्ट्रेच है ये रिवर्स है उसका, जो आपने ये रखा था, तो अगर आपने उसके बाद ये 30-30 seconds 3 times कर लिया तो आपकी रिवर्सल हो गई, कोई भी इंजरी खत्म हो गई, ठीक है ना, उसका इफेक्ट नल हो गया. सो दिस यू कैन डू. यहाँ पे किसी और को कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज पूछनी है? हाँ प्लीज. I have to just include one of the thing that our students, they do regular yoga. So from time to time sessions that we organize, what we feel that they do share their problems. Here also, aap log batate ho the remedies and all. But I don't think that's a regular execution by the students. So maybe if this such topic can be clubbed with a yoga class, you know, at least every week if they do it like an exercise, then they will remember it. Maybe that freezed bottle or, you know, the bands ke saath jo stretching hai. So these things are easily available on the Amazon, as you said. So they can bring their equipments and every week, at least for 15 to 20 minutes, if they keep doing it, to unko yaad rahega. Na, instead of like time to time, they do visit the physiotherapy room. So we can club some things in this way. Haan ma'am, ek tarike se physio yoga session ho gaya. है ना, क्योंकि योग में मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट करेक्ट, काफ़ी सारे योगासन ऐसे होते हैं योगा में आसन जो सबकी बॉडी के लिए सबका डिफरेंट है,
वो स्टैंडर्डाइज हो जाता है. जब एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको सुपरवाइज करता है तो वो ये बता सकता है ये इनको करना है वो उनको नहीं करना. सो बेसिकली एक कस्टमाइज योगा प्लान बन जाता है, वी कॉल इट फिजियो योगा, कि आपको बताया जा सकता है कि ये आसन आप करो, ये आसन ये करें, और वो शायद वो कोई भी नहीं कर सकता, वो केवल प्राणायाम करें. वो कहाँ गया हमारा मॉडल? So I'd just like to request our students that if they are given a form by the, you know, physiotherapy department, and take the inputs where in their pains are. So maybe in that way, that yes. Last year, I will share you the details with you. मैंने last year ये assessment किया था with all the senior students of the, even the junior students of the केंद्र. I will share it with you. Sure. But that time also I came down on a conclusion that maximum students have shin pain because of the ghungru and lack of warm up, and the other problem that they are facing is low back and cervical pain. So in that sequence, shin pain, cervical, and then low back, ये तीन थे जो कि majorly उनमें इन लोगों को problems आई थी. उसके बाद फिर नी और ये सारे थे. आई विल शेयर विद यू ऑल दोस थिंग्स. इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि पेन के लिए ही नहीं असेसमेंट करें, सबके जनरल असेसमेंट. मीनिंग इट इज यस फर्स्ट स्टेज, हर एक का एक असेसमेंट परफॉर्मर हो, वो सब उसकी हर मसल की स्ट्रेंथ, सो यू नो कि ये किस पैटर्न में इंजरी में जा सकता है. इंजरी जाने से पहले ही रोक लें कि अगर दो मसल्स का भी अगर स्ट्रेंथ कम आ रहा है, फॉर एग्जांपल शोल्डर की मसल का स्ट्रेंथ कम आ रहा है और काफ का कम है, तो आप उसके लिए वही प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकते हो कि ये दो मसल पे आप वर्क कर ले, तो वो इंजरी बच जाएगी, क्योंकि उसको नहीं पता लगेगा कि उसकी कौन सी मसल वीक है. सी पेन हमें तब पता लगता है, मैं बोल रही हूँ ना, इतना एड्रेनलिन रश होता है, स्पेशली डांसर्स एथलीट्स जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, दे नेवर रियलाइज इट जब तक कि वो बिल्कुल तोड़ते नहीं. जब वो टूट जाता है तभी दर्द बताते हैं. One more question I would like to ask specifically for mothers, those who are dancers and they have undergone C-section. So in that case, what you suggest? Because sometimes it does hurt a lot while even though after. मैम अगर देखिए back pain अगर हो रहा है LSCS की patient को, तो उसमें दो reason. पहला reason ये भी हो सकता है कि जब हम anesthesia देते हैं तो एनेस्थीजिया में कई बार एक प्रिक, दो प्रिक, तीन प्रिक, दैट ऑल्सो गिव्स पेन इन द बैक, वन थिंग. सेकेंड थिंग इज कि पोस्ट डिलीवरी उनका कैल्शियम इंटेक अच्छा ना रहा हो, दैट ऑल्सो गिव्स बैक पेन. आई एम टेलिंग यू व्हाट आई सी, मतलब ये मैं नॉर्मल एक वो बता रही हूँ कि किस किस केसेस में क्या क्या निकलता है. तो ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम नहीं खाए होती हैं, छः छः महीना, आठ आठ महीना फीड भी किया होता है बेबी को, दे डोंट टेक कैल्शियम एंड आयरन, सो दे बिकम डेफिशिएंट. तो सेकंड रीज़न ऑफ दिस, तो वो कवर अप करके जब वो डांस के लिए जा रही हैं वो कवर अप होना चाहिए. विटामिन डी अच्छे से लेना चाहिए, कैल्शियम अच्छे से लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए. न्यूट्रिशियस में उन लोगों के लिए स्पेशली ज़रूरी है प्रोटीन हो उसके अंदर. देन अगर LSCS की पेशेंट है और उनका जो इम्पॉर्टेंटली वीक होता है वो एब्डोमेन वीक होता है, हमारा इलियोसोएस ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, ठीक है, ये वाली जो मसल्स होती हैं वो उनकी कट होती है, जो भी कट लगता है, तो उसी मसल को हमें रिकवर करना है. अच्छी बात ये है उस मसल की सप्लाई बहुत अच्छी है इसलिए उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है. लेकिन ख़राब बात ये है कि हम लोग अपने ब्रीदिंग पैटर्न को और एब्डोमिन को समझते नहीं है कि रिलेट कैसे करना है. हम कई मुद्राज और कई मूवमेंट्स में ब्रीथ को, अपनी सांस को होल्ड करके रखते हैं. जब हम सांस को होल्ड करते हैं, अगर आप गहरा सांस लो तो आपका प्रेशर नीचे यूट्रस की तरफ जाता है, जो गलत है. सो बेसिकली उन्हें जो भी करना है उनको ब्रीथ नॉर्मल रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, जहाँ इनहेल करना है इनहेल करें, जब वो रिलीज करें तो एक्सहेल करें, ब्रीद आउट. सो डायफ्रेगमेटिक मूवमेंट बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी सबसे पहले, जिसमें आपका प्राणायाम भी काम करेगा, जिसमें हमारे ब्रीदिंग पैटर्न्स, जो हम डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अपर शॉर्ट ब्रेथ हम लोग जो सिखाते हैं, दैट ऑल्सो विल हेल्प. तो उनको ब्रीदिंग
का केयरफुल रखना है, और दूसरा जो मैंने कहा था कोर एंगेज करना है, तो जैसे पिलाटेस के थ्रू कर सकती हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, कोर को स्ट्रेंथन कर सकती हैं, स्पेसिफिकली इलियोसोवास, और उसके लिए भी वर्क किया जा सकता है अंडर अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट जो बताते रहेंगे, और वो अपने उसको योगा के साथ भी इंटीग्रेट करके कर सकते हैं. देन दे शुड गो फॉर डांसिंग. पर इनिशियली ये एक महीना उनको इसके ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा. Then they can go back. Otherwise, uterus prolapse होने का चांस हो जाता है, जो गर्ल्स को स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट डिलीवरी ऐसे भी आपके जॉइंट्स लैक्स हो जाते हैं. लैक्स मतलब ढीले हो जाना, जो टाइट स्ट्रक्चर है वो लूज होने लगते हैं बॉडी के, क्योंकि डिलीवरी में हार्मोन ऐसा होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है वो डिलीवरी के लिए. जब उस समय में आप और स्ट्रेच कर दोगे तो वो टूट जाएगा. सो यू नीड टू टोन इट अप एंड देन डू दी एक्सरसाइज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका यूट्रस सैग ना करे, आपकी बॉडी सैग ना करे, यू बिकम फिट. यू लाइक मेरे दोनों LSCS हैं, जो मेरे दोनों बेबीज हैं दे आर LSCS, बट आई स्पेसिफिकली टू केयर दैट टाइम मेरे एब्डोमेन का, एंड दैट इज़ वाई आई कैन गेट दी मेरे बेस्ट सेशन दे पा रही हूँ, एक्सरसाइजेस करा पा रही हूँ, क्योंकि हमें भी लेग्स उठानी है. इतने ही स्ट्रॉन्ग पेशेंट्स आते हैं और हम लोग क्लिनिकल वर्क में. सो वी डू इट बिकॉज कोर को अपने माइंड में इंटीग्रेट करो कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है. That will help you. Just in case, जैसे अभी हमारे साथ हो क्या रहा है कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस आज से 10-12 साल पहले नहीं थी उतनी ज़्यादा जितनी अभी है. तो मतलब एक्सटेंडिंग हर क्वेश्चन, तो उस टाइम पर जैसे आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपको पता था उस समय कि क्या करना है, बट देर आर अ लॉट ऑफ डांसर्स एज वेल जो जिनको नहीं पता था उस टाइम पे कि एग्जैक्टली व्हाट शुड बी डन, एंड नाउ दे आर फेसिंग दोज प्रॉब्लम्स. व्हाट शुड दे डू नाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स, बिकॉज दे हैव दैट पेन. अब वो उस टाइम पर तो था ही लो बैक पेन, वो धीरे 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 बढ़ते रह गया, और आज 10-12 साल बाद अगर उनको वो पेन आ रहा है, व्हाट शुड दे डू नाउ फॉर दैट. नहीं, दैट इज़ अगेन द आंसर विल बी दैट आफ्टर लाइक नोइंग वॉट फिजियोथेरेपी इज, दे कैन गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, दे कैन गेट देयर मसल्स चेक असेस्ड कि कौन सी मसल्स में काम करना है. अभी भी ऐसा नहीं होगा बिकॉज दोज वीमेन वर मोर एक्टिव, भले ही नहीं भी पता होता था, हाउस होल्ड कोर्स उस समय ज़्यादा खुद से किए जाते थे. अभी लेडीज़ उतना काम नहीं करती फिजिकल, बिकॉज दे आर मोर इन टू ऑफिस, दे आर मोर इन टू अदर थिंग्स. तो फिजिकली चाहे वो कपड़े धोने हो, चाहे वो खड़े होके काम करना हो, चाहे वो स्वीपिंग हो, चाहे वो पोछे लगाने हो, सब किए और सब ने किए ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑल्सो. उस समय भी ये सिखाया जाता था, पोछे लगाओ, स्क्वाट करो. स्क्वाटिंग इज़ अभी हम लोग उसको फैशन में स्क्वाटिंग सिखाते हैं अपने एंटीनेटल और पोस्ट नेटल में, लेकिन उस जमाने में मम्मियाँ कहती थी या दादियाँ कहती थी कि नीचे बैठ के पोछा लगाओ, इट विल हेल्प यू गिविंग अ नॉर्मल बर्थ, राइट. तो वो सब चीज़ें उसी के लिए बनी हुई थी कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए. अभी जिन्हें नहीं, जिनको उस सेशंस में उस समय अवेयर नहीं थी बॉडी, और अब उन्हें पता लग रहा है, आई थिंक दे शुड टेक अ सेशन, दे शुड गेट देयर बॉडी असेस्ड, अपने लिए कस्टमाइज प्लान बनाए कौन सी मसल पे काम करना है, एब्डोमिन पे करना है कि बैक पे करना है. अगर उनका देखिए सिम्टम अगर फैला हुआ है तो उसको हमें सेंटर में लाना है. बॉडी को कैसे समझोगे कि स्पाइन से फैला हुआ दर्द, स्पाइन से नसें निकल रही हैं, वो पूरा दर्द फैला हुआ है. अगर आप अपनी किसी भी मुद्रा से, किसी भी योग से, किसी भी एक्सरसाइज से उसको सेंट्रलाइज कर सकते हो तो आप उसको ट्रीट कर. वेरी सिंपल. इफ एक्सटेंशन, अगर आप भुजंग आसन करती हैं और भुजंग आसन करने से जो आपका पैर में दर्द हो रहा था वो सिर्फ बैक में फील हो रहा है, दैट इज अ गुड साइन. दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, क्योंकि आपने एक्सटेंड किया और दर्द ऊपर की तरफ आ गया. लेकिन अगर उस भुजंग आसन से वो पैरों की तरफ फैल रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं मांग रही. यू नीड टू रिवर्स इट, फ्लेक्शन कीजिए. ठीक है, कोई एक्सरसाइज करने में अगर दर्द हो रहा है, देखो खिंचाव होना नॉर्मल है, स्ट्रेच इज नॉर्मल, लेकिन अगर उसमें दर्द हो रहा है स्ट्रेच के साथ, देन डोंट डू इट. देन यू होल्ड इट अ एक ये इतना वहाँ गेट पे पहुँचने से पहले उसको रोक लो, जहाँ दर्द शुरू होने वाला है 1, 2, 3, 4, 5 पे दर्द है, 4 पे रोक लो. यू विल क्रॉस इट,
इवेंचुअली आप उस बैरियर को क्रॉस कर दोगे. तो अपने अपने लिगामेंट्स को, अपनी लेंथ ऑफ द मसल को खुद से समझो और फिर उसे स्ट्रेच करो. एनी क्वेश्चंस? मैं इश्यूज काफ़ी हैं लेकिन मैं एक दो ही पूछूंगा क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है. मैं गया हूँ मैम के पास दो चार बार, तो एक तो शोल्डर शायद मेरे ख्याल से काफ़ी टाइट हैं और उसकी वजह से कभी कभी क्या होता है इधर से लेके ये पीछे शोल्डर से लेके और आगे तक दर्द होता है कंटिन्यूसली और शायद विद इन वीक तक होता है कभी कभी ज़्यादा भी. तो उसमें कभी कभी डर लगता है ये हार्ट की तो प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए. रात में स्पेशली ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है इसको लेके. और मैंने चेकअप भी करवाया तो सब ठीक नॉर्मल. तो इन्होंने ही बताया कि नहीं ये मसल्स की ही दिक्कत है और एक्सरसाइज भी बताई. लेकिन इसकी एक तो इसके लिए मुझे पूछना है कि कोई और एक्सरसाइज, ये जो शोल्डर इन्होंने कहा है काफ़ी हार्ड हैं दोनों तरफ के, क्योंकि हम लोग, मैं म्यूजिशियन हूँ सितार बजाता हूँ, तो हो सकता है बजाने की वजह से दोनों जो बैठक है या बजाने का जो पोस्चर है उसकी वजह से ये हुआ हो. दूसरा मेरे दोनों पैरों में पंजों में वो अजीब सी तकलीफ़ है, ये राइट में मेरे नसों में खिंचाव आता है. हालांकि मैंने अभी जस्ट लास्ट वीक मैंने फुल बॉडी चेकअप करवाया तो उसमें विटामिन डी वगैरह सब ठीक है नॉर्मल है, तो ये समझ में नहीं आ रहा. दूसरा एक इधर इस साइड में इधर जो गट्टा है, गट्टा बोलते हैं जो गोल हड्डी है, इसके नीचे तकरीबन एक महीने से पेन है खड़े होने पर भी. तो अभी पेन के साथ साथ अभी दो दिन से हल्की सी स्वेलिंग भी है इसमें. तो ये हड्डी की प्रॉब्लम है या मसल्स की प्रॉब्लम है, ये किस तरह की? क्योंकि ये जो चेकअप करवाया उसमें तो विटामिन और कैल्शियम वगैरह, हाँ कैल्शियम वगैरह सब ठीक है. देखिए आप अभी जैसे बैठ रहे हैं, हाँ हाँ, तो बाहर की तरफ ही फुट के ऊपर ही वही पेन हो रहा है, हाँ, गट्टों के ऊपर ही वेट आ रहा है, क्योंकि हाँ, सो इट कैन बी मैकेनिकल. क्योंकि अगर आप उसके ऊपर वजन डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए वहाँ से आर्टरी निकल रही है, पीडीएस आर्टरी हमारे जो पैर को ब्लड सप्लाई जाती है वो वहाँ से भी निकल रही है, तो हो सकता है उसके ऊपर प्रेशर आता हो. आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक छोटा सा रेमेडी पहले ये करके देखिए कि जब आपको बहुत देर ये इसमें बैठना होता है तो आप छोटे जो ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं जो सर्जरी वगैरह के लिए, सर्जिकल ग्लव्स, उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर लीजिए. ठीक है, पानी भर के एक रबर बैंड लगा लीजिए. अच्छा, वो एक कुशन हो गया. अच्छा, तो एक आपकी बॉडी का अपना कुशन जो जॉइंट के अंदर फ्लूइड है. अब क्या हो रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अभी भी आप वैसे ही बैठे, अब वो आपकी हैबिट है. अब वो मेरी हैबिट है और मैं अगर ऐसे भी बैठूंगा तो ये भी ऐसे ही बैठोगे. तो क्या करो, वो एक छोटे से अगर आप कुशन्स ऐसे छोटे बना लो, वो सर्जिकल ग्लव्स छोटे से उसमें बना के उसके अंदर अगर पानी भर लिया तो जब आपने ये पैर डायरेक्टली उसके ऊपर रखा, उसके बीच में वो रख दिया. अच्छा, वो ग्लव रख दिया तो वो एक शॉक एब्जॉर्बर एडेड आपने अपनी एड़ी को दे दिया. तो ये तो जिस टाइम पे मैं घर पे रहूं उस टाइम ही कर सकता हूं, नॉर्मली स्टेज पे कर सकते हो. अदरवाइज आप अरे कुछ भी, कोई छोटी सी बॉटल, छोटा सा जेली पैड. अच्छा, इतने सारे बच्चों की ही जेलीज आती है, सिर्फ वो हड्डी पर रखने, छोटा सा जिप पाउच ले लो, उसके अंदर पानी भर लिया आपने. अच्छा, इतना सा पानी, सो पानी क्या है ना, फैला देगा प्रेशर को. तो आपको क्योंकि कंटिन्यू बैठना है तो आप कुछ भी इलाज करोगे, आप थेरेपी भी कराओगे ना, तो फिर 5 या 7 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर आ. दूसरा, अमूमन मुझे कमर का दर्द नहीं होता. हाँ. लेकिन रात को लेटते वक्त मैं कभी कभी दबवा लेता हूँ, बच्चों को खड़ा करवा लिया तो. हाँ. अचानक कभी कभी जो होता है, जैसे घर से निकल रहा हूँ शो के लिए या ड्यूटी के लिए आ रहा हूँ, सब ठीक है, अचानक से एकदम एक तकलीफ हुई और दिल चाहा कि यार 10 मिनट लेट जाऊँ मैं. तो वो उसके लिए क्या किया जाए, मतलब आप जाना ज़रूरी है, कैंसिल नहीं कर सकते, ड्यूटी पे आना है या शो पे जाना है, तो उस इंस्टेंट दर्द का कोई इलाज है कि मैं उस वक्त क्या कर सकता हूँ? दर्द होता है तो देखिए आइस स्प्रेज रख सकते हो आप लोग, पेन के इतने इंस्टेंट स्प्रेज आ रहे हैं, आप उसको रख सकते हो. यू जस्ट स्प्रे इट. आइस स्प्रे क्या होता है, जब भी एक्यूट पेन होता है तो एक, जैसे आपने देखा होगा ना, खिलाड़ी जब खेलने जाता है मैदान में एकदम गिरता है. हाँ. और फिर थोड़ी देर बाद कुछ आके फिजियोथेरेपी वो तो करके वो तो चला जाता. हाँ, है. हाँ, वो तो कर लिया. लेकिन उसके लिए कोई एक्सरसाइज ऐसी है कि हाँ भाई 5-10 मिनट में आपको रिलीफ मिल जाएगा उससे? लेकिन वो 5-10 मिनट की एक्सरसाइज बताने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि वो अचानक दर्द आता क्यों है, दिमाग में तो नहीं है वो दर्द? हाँ ये भी है, क्योंकि एंग्जाइटी भी आप बता रहे हो वो अचानक उसकी दर्द की वजह से.
हो जाएगी, ये दर्द क्यों हो रहा है, ये ऐसा लगता है, वजह से एंग्जायटी, अब हो सकता है एंग्जायटी की वजह से भी दर्द हो रहा हो, दोनों बातें। देखिए एक चीज मान के चलिए, बायोलॉजिकल भी जितना इन्वॉल्वमेंट है उतना साइकोलॉजिकल भी है, बिल्कुल है ना। तो पहले तो ये भूल जाओ, जब मैडम ने कह दिया कि नेक से आ रहा है तो वो नेक से ही होगा, शरीर में दर्द दर्द मत ढूंढो, है ना। अब क्या होता है, बॉडी अपने आप, ब्रेन वहां चलने लगता है जहां दर्द है। कईयों को, कई लेडीज को कुछ कुकर उठाने में भी थोड़ा दर्द होता है, वो भूल जाती है, रखती है, आगे बढ़ जाती है, नहीं होता फिर। नहीं, अमूमन कुछ होती है वो उसको सोचती रहेंगी कि कुकर को उठाया था तो कुछ और इंजर हो गया हो। वो एग्जांपल के तौर पे मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि के नावक नाश से मुश्किल है बचाना दिल का, और दर्द उठ उठ के बताता है ठिकाना दिल का। तो कभी कभी कमर में दर्द है या बैक में दर्द है, मैं गया उनके पास में दो चार बार, तो कंटिन्यू जाऊंगा। वो एक्चुअली उनकी टाइमिंग ऐसी है मंडे की और शायद थर्सडे, थोड़ा सा स्पाइन एडजस्टमेंट करा लीजिए, शोल्डर्स आपके थोड़े से डाउन है, शोल्डर्स को आप थोड़ा श्रग कीजिए क्योंकि आपके अब ऐसे ही हो रहे हैं। हमारा काम अच्छा बैठने का ज्यादा है तो उसकी वजह से ये सब पेट वेट भी आगे आ गया, उसकी वजह से वजन ज्यादा है तो कमर में दर्द है। जब आप खाली हो तब तो आप इसको रख सकते हो ना ऐसे, तो अब आप श्रग करोगे ये ड्रूप होना बंद हो जाए। अच्छा। और क्या हो रहा है कि नसों के ऊपर ये लोड है, मैंने जैसे अभी हिप के लिए बताया था कि वो हिप को ऐसे ट्रैवल करके नर्व जा रही है, तो जो गर्दन की नस है वो आपके कंधे पे ऐसे की जगह अब ऐसे जा रही है। हाँ। खिंच गई नर्व, वो दुखेगी, जब दिल के तरफ जा रही है तो दिल का दर्द बन जाएगा। हाँ। नहीं यार, तो पाँव का दर्द भी आता तो ऐसा लगता है। मैंने मैंने उन्हें बताया कुछ मीन सितार में होती है तो दो उंगलियों से सितार बजता है, एक उंगली से मैं मीट खींचता हूँ, कुछ शायद ज्यादा दिल से खींच लेता तो वो सीधा हार्ट पे इधर लगने लगता था, यार ये क्या हो गया। नहीं, वो तो कनेक्टेड है। तो वो कुछ तो बट दैट इज ओके। हाँ, तो मैं उसको वैसे तो अभी सीरियस नहीं ले रहा हूँ, इसलिए अभी ये बातचीत हुई है तो मैं पूछ लूँ कि सीरियस मत लीजिए और ज्यादा चेकअप भी मत कराइए, नहीं तो वो आपको सीरियस करके कर देगा। बिल्कुल, बस। और किसी को कोई क्वेश्चंस? हाँ बोलो, और कौन कौन है, किस किस को क्वेश्चंस? हाँ, वी नीड टू वाइंड इट अप नाउ, 5 बजे। हाँ जी मैम, मुझे बोलना था, मेरे नेक में समटाइम्स बहुत पेन होता है सो के उठने के बाद, थोड़ा मसाज करूं तो ठीक लगने लगता है, ऐसे करूं या ऐसे करूं तो भी ठीक लगता है, बट समटाइम्स बहुत दुखता है, मतलब मसाज के बाद ठीक हो जाता है बट ऐसा क्यों होता है? अच्छा, नेक मैनिपुलेट कर देते हैं। अच्छा, मैम कह दें। तो मैं इसमें ऐड करूंगी कि नेक में पेन आप लोगों को स्पिन की वजह से भी होता है, क्योंकि जब आप लोग चक्कर लेते हो तो सबसे पहले आपका फेस आगे आता है, फिर टॉर्सो और फिर लास्ट में पैर, तो सबसे ज़्यादा फोर्स जो है आपके नेक पे आ रहा है। यू नीड टू डू अ गुड फिजियोथेरेपी, मतलब उसका वहाँ का अच्छा स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करना ज़रूरी है बिफोर यू डू योर रियाज, वरना क्रैकिंग आवाज़ आ रही है आप लोगों की वीडियो की तरह। आजकल बहुत चले हैं ना कायरोप्रैक्टर वाला। नहीं, कायरोप्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ ये जो स्पिन्स मैम बता रही हैं कि आपके रेगुलर स्ट्रेचिंग्स अगर मिसिंग होती हैं तो ये लॉक हो जाते हैं जॉइंट्स। सो यू जस्ट ओपन इट, अगर कोई बहुत हल्का फुल्का है तो यू कैन डू इट ईजिली, आपकी स्ट्रेचिंग से वो प्रिवेंट हो जाएगा। हेडेक होने लगता है, हेडेक के लिए एक चीज़ और, आप ये अपने ईयर के आसपास भी, क्या होता है ईयर में हमारे बैलेंस कैनाल्स होते हैं, तो जैसे मैम बता रही हैं स्पिन ले रहे हो तो क्या हो रहा है कि ईयर भी पूरा ये मूव करता है, वो तीनों लेवल में घूम रहा होता है और फिर उसको वापस आना होता है सेंटर पे। कभी कभी जहाँ पे वो आना चाहिए उसकी जगह थोड़ा ऊपर आया या नीचे आया तो हल्का सा हेडेक फीलिंग आती है, तो आप अपने ईयर लोब्स की भी ये मसाज ये भी थोड़ा कर सकते हैं, ये एरिया की भी, ये एरिया की भी, ठीक है, और ये एरिया की भी। इससे क्या रहता है कि यहाँ के जो टिश्यूज टाइट होंगे वो रिलीज हो जाएंगे एंड इट विल हेल्प यू टू गेट बैक इमीडिएटली, जब आप रुकते हैं तो आपका बैलेंस स्टेबलाइज हो जाए, वो उसके लिए भी हेल्प करेंगे। सो दिस ईयर ऑर्गन ऑल्सो हेल्प इन द बैलेंसिंग पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा ये भी टाइट है, इसके लिए आप ये स्ट्रेच किया कर, ठीक है।
ये टाइट है ना, थोड़ी सी जैसे आप ऑयल लेके करके हल्का सा इसको रिलीज करोगे तो ये चला जाएगा, यही दो जगह बैठेंगे, इस तरफ कम है, राइट साइड ज़्यादा है। और जब पिलो लगाएं तो इतना मोटा पिलो लगाएं। जब आप सो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बिना तकिए सोना है, तकिया ज़रूर लगाना है, और कम से कम इतना कान का ये पार्ट से लेके कंधे का ये पार्ट, अगर आप करवट से सोते हैं। और अगर आप सीधे सोते हैं तो जो हॉलो हमारी स्पाइन का है बस वो फ्लैट हो जाए, सिर्फ इतना पतला तकिया लगाइए, सो दैट विल हेल्प यू कि आपकी सारी रात नहीं तो गर्दन ऐसे पड़ी रहेगी, फिर हमें उसे अनलॉक करना पड़ेगा, फिर वो ट्रीट करा के जाएगी मैडम के पास, फिर वापस आएगी, फिर दो दिन बाद वापस लॉक हो जाएगी। बट अगर वो ये इतने तकिए के ऊपर है तो इसकी मसल्स रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता है कि बिना तकिए सोना और या ये बड़ा सात्विक है, बट ये आपकी गर्दन के लिए बिल्कुल सात्विक नहीं है, ठीक है। मेरे इस पैर के ना यहाँ पे हमेशा एक थोड़ा सा स्वेलिंग रहती है, और जब मैं अगर बैठी हुई हूँ और फिर बहुत देर तक बैठ गई, फिर अचानक से उठती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती हूँ, तो काफ़ी देर वो पेनफुल रहता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते वो मसल अपने फेज में आता है तो वो नॉर्मल होता है, और थोड़ा थोड़ा उसमें स्वेलिंग भी रहती है, और इसकी वजह से उंगलियों में भी पेन रहता है। ये इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ के मसल्स का, बरसा का, मतलब जैसे पैर में ना फ्लूइड भी है, तो वो फ्लूइड जैसे मान लीजिए दो बोन के बीच में थोड़ा सा पानी आ गया, फिर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन चालू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होने से जोड़ थोड़ा गर्म होने लग जाता है, कई बार बॉडी अपने आप उसको हील करने लगती है, बट थोड़ी सी स्वेलिंग रह जाती है, वो जो थोड़ी सी स्वेलिंग रह जाती है वो परसिस्ट करती है और फिर वो बाकी की मसल्स को इन्वॉल्व करने लगती है, तो आपको उसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट करना बेहतर रहेगा। अगर आप कुछ मुझे ऐसा लगा कि शायद वेट की वजह से होता हो, बट मगर ये एक दूसरे पैर में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, बस एक में होता है। इन्फ्लेमेशन हुआ है उसी में होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे जोड़ों में हो या बराबर के दूसरे पैर में हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, पैर के दर्द वाले लोगों को यूरिक एसिड भी अपना चेक करा लेना चाहिए, बिकॉज हमारे आजकल जो सब्जियाँ बन रही हैं प्राइमरीली उनमें जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उतने अच्छे से धुलते नहीं है, इतने अच्छे से उसको करके नहीं दिया जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे से वॉश करें और अपने यूरिक एसिड चेक करा सकते हो। अगर फुट में ज़्यादा पेन आ रहा है, चाहे वो पैर के अंगूठे में आ रहा है, क्योंकि यूरिक एसिड एक ऐसा प्रोटीन होता है बॉडी का जो बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो वो जाके अलग अलग जॉइंट्स के ऊपर जाके जम जाता है, और वो जम के दर्द करता है, जिसे हम गाउट कहते हैं, गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया का एक प्रकार है। तो वो शुरू में ही अभी कर सकते हैं, बिकॉज सब्जियाँ सभी खाते हैं, वो तो हमारी स्किप हो नहीं सकती, तो उसमें आप एक बार अपना अगर पैर का है, और जैसे बहुत देर तक अगर पैर लटका के बैठ जाते हैं ना तो पूरे पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, हाँ, तो आप अपना यूरिक एसिड चेक कराओ, किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है वो, गेट इट चेक, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो। एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं जब सीढ़ी चढ़ती हूँ तो इस पैर के ये घुटने में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खिंच रहा है बहुत तेज़, और फिर मैं इस पैर से नहीं चढ़ पाती, मुझे एक ही पैर से चढ़ना पड़ता है इसमें। उतरने में ठीक है, उतरने के वक्त उतनी प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ते वक्त यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ दर्द हो रहा है, तो फिर वजन कम करो, घुटने के ऊपर से लोड कम करो, नी की एक्सरसाइजेस करो, वो चला जाएगा। देखिए, अगर चढ़ने में हो रहा है तो इट इज़ डेफिनेटली लोडिंग, जब लोड पड़ रहा है जोड़ के ऊपर, तो वो लोड अपना कम कर देंगे तो वैसे ही कम हो जाएगा, प्लस अगर हम अपना वजन कम नहीं कर पा रहे तो उसकी मसल को स्ट्रॉन्ग कर लो। तो जब वो बट अगर मैं फास्ट चल रही हूँ, फास्ट अगर जल्दी जल्दी चढ़ गई तो दर्द नहीं हो रहा है, बट स्लोली चल रही हूँ तो मुझे दर्द होगा, वो ऐसा नहीं होता है। वो जब आप फास्ट चल रहे होते हो तो मैंने कहा ना, बाकी की बॉडी उस तरफ वर्क कर रही होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जा रहा होता है, जब आप धीरे चल रहे होते हो तो आपके सेंसरी रिसेप्टर्स अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ब्लड अलग तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए आप उसको अप्रिशिएट कर पाते हो। अदरवाइज जो चीज़ इंजर्ड है वो इंजर्ड ही है, चाहे फास्ट करो चाहे स्लो करो। तो नी को स्ट्रॉन्ग करिए, कॉर्डिसेप एक्सरसाइजेस कीजिए, मैम से सीख लीजिए, कॉर्डिसेप्स हैंड्स उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सीखी हुई है, इवन किया भी है मैंने काफ़ी लंबे टाइम, बट शी कैन गेट हर किडनी फंक्शन एंड विटामिन डी चेक, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जिसको पूछना है उसके बाद वाइंड अप करेंगे। मुझे बैक मेरी अटक जाती है, मतलब मुझे पॉइंट्स भी समझ आते हैं, और एक मैं बैठ गई तो फिर बहुत टाइम तक बैठ ही नहीं पाती हूँ, मतलब अगर पखावज 21 में, मतलब आपको कब से फील हो रहा है? नहीं, वो बस अभी अभी फील होने लगा है। अभी अभी सेशन में?
नहीं नहीं मतलब जब से मैं इधर आई हूँ एक महीना एक दिन सब आज अपना मिरर के आगे गूगल भी कर सकते हो कि स्पाइन का नॉर्मल कर्वेचर और जो मैंने बताया उसे रिलेट कर लेना और अपने को शीशे के लॉन्ग मिरर में देखना कहाँ को जा रही है बॉडी, पेल्विस, शोल्डर्स, चिन, ये सब कहाँ कहाँ दिख रहा है, नेक, राइट, आपके नीज, मेरे नी तो दिखेंगे नहीं, इनके नीज जैसे एक्सटेंशन में है, आपका फुट आप कैसे रखते हो जब आप नॉर्मल खड़े होते हो, वो ज़रूर देखना, उसको करेक्ट करना, शुरू शुरू में करेक्ट पोस्चर दुखेगा, 100% दुखेगा वो, सो उससे परेशान मत होना कि यार अभी हमने एक्सरसाइज शुरू करी अब तो दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि बॉडी को एकस्टम हो चुका है गलत पोस्चर के, आप उसे करेक्ट करोगे 3 दिन 4 दिन दुखेगा, 5वें दिन से आप अपने आप सीधा फील होना खुद ही फील करोगे, यू बिकम स्ट्रेट, यू बिकम टॉल, हाई हेडेड, आपके खुद के बॉडी एटीट्यूड में चेंज आ जाएगा, ठीक है। हेलो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है अब नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू लोअर बैक, दिस इज सेशन ऑन लोअर बैक, नहीं, एनीबडी हु हैज मोर क्वेश्चंस कैन आस्क आफ्टर द सेशन, वी कैन केटर टू दैट। ओके, नमस्कार, मैं कथक डांसर हूँ और मेरा थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सालों से मैं सोच रहा हूँ फॉर बॉडी मेरी बॉडी पोस्चर के लिए या एक कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ और बहुत सारे मेरे ऐसे कथक डांसर दोस्त हैं वो भी जाना चाहते हैं, बट एक समय के बाद थोड़ा डर लगता है जिम से, बिकॉज हमारे जो मसल्स हैं हाथ के वो स्टिफ होने लगते हैं और वो प्रॉब्लम परफॉर्मेंस करते वक्त स्टिफनेस दिखती है, मतलब हमें फील होती है, मुझे फील होती है वो, तो क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने फिर योगा भी ज्वाइन किया, योगा भी करता हूँ और योगा में भी पर्वत आसन, भुजंग आसन और साष्टांग करके एक दंड होता है, तो उसमें भी हाथों में पेन होता है और मसल्स जब स्टिफ होते हैं, तो इज देयर एनी एक्सरसाइज जिसके थ्रू हम मतलब वी कैन गेट इन अ गुड मतलब बेटर शेप एंड देन ऑल्सो मतलब वो थोड़ा सा स्टिफनेस ना रहे। नहीं, उसके लिए वो स्टिफनेस नहीं होती है जो हम अभी डोम्स की बात कर रहे थे ना, मसल सोरनेस डिलेड होता क्या है कि कूल डाउन नहीं किया, जिम गए, जिम से आने के बाद में आपने कोई कूल डाउन एक्सरसाइजेज नहीं की, वो अब आप करिएगा और थोड़ा सा आइस पैक लगाइए, आफ्टर दिस आइस पैक लगाइए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन ब्रीदिंग, देन यू नो लूजनिंग द बॉडी,
वो अगर आप करोगे तो आपको ये जो स्टिफनेस वाली फीलिंग है, ये स्टिफनेस कुछ होता नहीं है. टोनिंग अप होना अलग बात है, टोन होनी मसल अच्छी बात है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जा रही है उससे, क्योंकि आप स्ट्रेचेस भी कर रहे हो. वार्म अप के अंदर आपने स्ट्रेच किया, कूल डाउन के अंदर आपने उसको लूजन आउट किया, तो आपकी ये जो डिलेड वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो आपको स्टिफ फीलिंग होती है, वो आनी बंद हो जाएगी. यू हैव टू हैव अ गुड कूल डाउन प्रोग्राम, उसको भी आप एक बार कस्टमाइज करवा लो. अपर बॉडी के लिए करना है तो अपर बॉडी के लिए करा लो, और आप उसको करो. जब आप उसको वहाँ करोगे तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी. यू कैन डू द जिम, ऐसा नहीं है कि डांसर्स कैन नॉट डू द जिम, दे कैन डू इट, दे कैन डू एनी एक्सरसाइज दे वॉन्ट. इनफैक्ट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जो एक स्टिफ बॉडी में स्ट्रेच कर रहा है और फिर छोड़ रहा है, उसको इंजरी का चांस ज़्यादा है. आपके जो लेंथ ऑफ दी मसल है वो अच्छी है, उसकी क्वाइट रेंज है, उसको रेंज है, मैक्सिमम की भी अच्छी रेंज है, छोटी की भी अच्छी रेंज है, तो आपकी इंजरीज की चांसेस कम है. यू जस्ट नीड टू कूल द मसल डाउन. ओके, थैंक यू.